نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِزُونَ जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता था हजरत मूसा को चालीस रोज की मुलाकात पर पत्थर की सिलों और तख्तियों के ऊपर लिख कर दिए जाने वाले टेन कमांडमेंट्स ऑफ मूसा जो हजरत मोहम्मद सल अल्लाह की दीन की तालीमत से भी बिल्कुल हम आहंग हैं क्योंकि दीन हमेशा इस्लाम ही रहा है पहला पहला वादा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो अल्लाह के हक के बाद सबसे पहला हक माँ बाप के साथ क्या करो एहसान रिपीट नथिंग शॉर्ट ऑफ एहसान पेरेंट्स और फिर क्या करो वजिल कौरबा कराबत दार कराँग का हक अल्लाह और अल्लाह के बाद वाले और वालदेन के बाद कराबत रहम के रिश्तों का हक वो हक जो अल्लाह सुबहाना बहाना ने रख मादर को हाथ में लेकर ही फरमा दिया था जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोडूंगा जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा और आपने वादा फरमा के आपके अल्फाज उम्मत तक पहुंचा दिए गए थे लाइय कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा पीर और जुमेरात को अगर कुछ लोग नाराज हैं दो मुसलमान भाई नाराज है तो उनका हिसाब मर है और आपने फरमा दिया मुझे हुक्म है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ करूं जो मुझे ना दे मैं उसे दूं ऐसा करने वाले साहबी को आपने करते रहने की ताकीद फरमाई थी और फरमाया था तेरा ऐसा करना उनके मुंह में खाक डालना है और आपने फरमाया था बदले में सिला रहमी करना मुकम्मल सिला रहमी नहीं है और जो शख्स चाहता है कि उसके माल में बरकत और उसकी उम्र लंबी हो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे और फिर किसके साथ हक वलियतमा हदीस बताती है मुसलमानों के घरों में बेहतरीन घर वो हैं जहाँ यतीमों के साथ उसने सलूक किया जाता है दिल की नरमी का तरीका आपने बताया यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरो और वादा किया हाथ फेरने वाले को कि जो जो शख्स यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरेगा उस यतीम बच्चे के सर के बालों के बराबर उसके गुना बख्श दिए जाएंगे और यतीम के साथ शफकत करने वाले के लिए आपने फरमाया वह जन्नत ने मेरे साथ यूक होगा उंगलियों को मिला दिया और फिर अल्लाह ने फरमाया यतीम के साथ किसको को मस्कीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा मस्किन और ज़रूरतमंद की मदद के लिए निकलने वाला तो ऐसा है जैसा सारी रात कयाम करने वाला मुसलसल रोज़े रखने वाला और लगातार जिहाद करने वाला और आपने अपनी तरजीह में बताया फरमाया गया हदीस में कि मैं किसी बेवा किसी मस्किन की मदद के लिए निकलूँ मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं दो माँ मुसलसल मस्जिद नबवी में इतकाफ करो अल्लाह हमें अपनी तरजीहत को बदलने की तोहफी कता फरमाए याद रखिएगा हकूक लिबाद बहुत अहम है अल्लाह क्यामत के दिन अपने हकूक तो शायद माफ़ कर देगा लेकिन हकूक लिबाद ले माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा जिसके हक ग़सब किए गए थे वो माफ़ करे और फिर क्या करो ये सब कुछ करने के बाद फिर एक बहुत जामे सा नुस्खा हुआ कूल से तमाम लोगों के साथ कैसी बात करो हुसना तुम्हारे अखलाक में मामलात में तुम्हारे रवैयों में तुम्हारे अंदाज के अंदर हसन अखलाक हसन सलूक झलकना चाहिए तुम उम्मत के अफराद हो तुम्हारे अख्लाक और मामलात से लोग दीन मोहम्मदी सल वाली वसलम को समझते हैं कुलना से

हमने तुम्हें मज़बूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घरों से बेघर करना तुमने इसका इकरार किया था तुम खुद इसके गवाह थे ये वो दसवा अब अहद है जो मूसा साम की कौम से लिया गया था और ये वही अहद है जिसकी तजदीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई आपने भी तो खुतबा में फरमाया था ना कि हर मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू दूसरे मुसलमान के लिए हराम है तमाम नबियों का दीन इस्लाम और तमाम नबियों की बुनियादी तालीमांत एक रही हैं ये वादा यहूद से लिया गया लेकिन फिर उनकी गलत रवि और नाफ़रमानी पर तबसरा किया गया कि ये वादा लेने के बाद के यहूद के घर उनकी जाने मालन तुम पर हराम है तुम आज वही हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानुमा कर देते हो जुल्म और ज़्यादती के साथ उनके खिलाफ बंदियां करते हो और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिते का लेन देन करते हो हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था ये यहूद की बनी इसराइल की गलत रवि का तस्करा किया जा रहा है और इस चीज को समझने के लिए मदीना की जो इंटरेंजिक और इंटरनल जो सियासत और पॉलिटिक्स थी उसको कुछ थोड़ा सा समझना जरूरी होगा हमें मालूम है कि मदीना में तीन यहूदी कबीले थे बनु नज़ीर बनु कुरैज़ा और बनू कैनुका और दो मुश्किल कबीले थे ओस और खजरज अब दो यहूदी कबीले ओस के और एक यहूदी कबीला खजरज का हरीफ और सपोर्टर था ओस और खजरज के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीमात पहुंचने से पहले मदीना में ओस और खजरज के दरमियान एक लम्ब तारीखी जंग का सिलसिला जिसे तारीख में जंगे बुआस के नाम से जाना जाता है 200 साल पुरानी जंग जो है इन दोनों कबीलों के दरम्यान जारी थी अब इस जंग में होता क्या था यहूद कबीले डायरेक्टली तो एक दूसरे से कभी मुठभेड़ नहीं होती थी कभी जंग नहीं करते थे लेकिन जब औसत खजरज की जंग होती थी तो वो यहूदी कबीले अपने अपने हरीफ और सपोर्टर कबीले की मदद के लिए वो भी मैदान जंग में कूद जाते थे नेट एंड ऑफ द डे यहूदियों के हाथों यहूदियों का कत्ल भी होता था उनका खून भी बहता था और यहूदियों को यहूदी उनके घरों से भी निकालते थे गोया जो ये टेन कमांडमेंट्स में से एक हुक्म है उसकी खुल्म खुली नाफरमानी अपने मदीना के हरीफों को राजी करने और दुनिया के मफादात हासिल करने के लिए ये यहूद अपनाते थे ये तो कुल्लम खुल्ला अपने तौरात के अहकाम की नाफरमानी थी जिसके वो मरतकब थे लेकिन जब यहूदी उनके पास क़ैदी बनकर आते थे तो फिर उन्हें तौरात में फ़दीए का हुक्म याद आ जाता था यही जहाँ पे माल और फदियाँ मिलने का और दुनियावी मफादात मिलने का इम्कान होता था वहाँ पर तौरात के अहकाम याद आ जाते थे और तौरात के अहकाम को वो अपना लेते थे उनकी इस ग़लत रवि पर अल्लाह ने बड़ा करके दो टोक में क्या भी बाजल छोड़ देते हो? जिन एहकाम को अपनाने से तुम्हें कोई सोशल या माशी या माशती नुकसान होने का इम्कान है उनको तुम छोड़ देते हो और जहां से तुम्हें दुनियावी मुनाफे और नफा मिलता है उन अहकाम को तुम थाम लेते हो फिर अल्लाह ने उनका अंजाम बताया व में यफल जो कोई ऐसा करेगा मिन कुम तुम में से इसके लिए क्या है अलाफिल दुनिया व युमल क्या शब्द लजाब अगर तुम अपनी किताब के बाज़ हिस्सों को थामोगे और बाज़ को छोड़ दोगे तो दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई के अजाब से दो चार हो गए और आखिरत में इससे शदीद तरीन अजाब से दो चार हो गए ये तम्बी और ये तबसरा तो यहूद की गलत रवि मदीना की बस्ती के यहूद की गलत रवि पर किया गया लेकिन अगर आज हम देखें तो इससे मिलता जुलता ही नहीं इससे बढ़ा हुआ रवैया आज उम्मत मुस्लिम में मौजूद है अगर आप बहुत पुरानी उम्मत की तारीख ना भी देखें अभी पिछली ही कुछ दिहाइयों और डिकेड्स की तारीख देखें तो आपको नजर आएगा कि गल्फ़ की वो जो सारी रुदाद है उसमें क्या हुआ था पहले इराक ने अमरीका की मदद की और ईरान के ऊपर हमला किया और उसमें ईरान को बहुत भारी नुकसान इस मुआवनत से हुआ ये ईरान इराक वॉर -एर हमारी तारीख में उम्मत की मौजूद मौजूद और फिर कुछ ही साल गुजरे कि उसी अमेरिका ने अपनी दोस्तियां और हमायतें बदली उसने कवैत को अपना हमायती बना के इराक की बस्ती के ऊपर हमला किया और फिर बगदाद की ईंट से ईंट बचा दी गई ये रुदादे तो हम देख चुके हैं मुसलमान मुसलमानों के ऊपर दुश्मनों के साथ मदद करके उनके हमायती बनके उनके उनके, उनके खून की होली खेलते हुए तो हम देख चुके हैं और इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है अगर हम अपने गिरेबान में अपनी सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक के गिरेबान में घर झांक के देखें तो हमें इससे भी कबीर रवैया नजर आएगा 9 911 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने का इरादा किया था और पाकिस्तान के हुकमरानों से मदद मुआवजा और अड्डे मांगे थे तो बहुत से लोगों ने यही नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान जब कुछ लोगों ने कहा कि अफगानी भाइयों के खिलाफ उन उन भेड़ियों की मदद ना करो अमरीकी खून खूंखारों की मदद ना करो तो यही नारा उर्फ आम में लगाया गया कि सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान इनसे बचता नहीं है और ये कश्मीर और अफगानिस्तान की मदद करने चले हैं और बस फिर हमने उनको अपने हवाई अड्डे दिए हमारे हवाई अड्डों से वो पिशावर का इतना बड़ा जो बड्डा बियर का हवाई अड्डा है वहां से उड़ाने उड़ के वो गंदे वो गंदे हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारे हमारे अफग़ानी भाइयों के ऊपर गोलियां बरसाते रहे बम बरसाते रहे हमारी बहरी अड्डों के ऊपर उनका सामान उड़ता रहा और हमारी तजारती शाहराखों के ऊपर उनके गंदे कंटेनर्स जो हैं उनकी फौजी सिपाहियों के खाने उनके कंबल उनके बिस्तरी नहीं उनके कुछ कुत्तों के खानों के डब्बे भी हमारी तजारती पाक सरजमीन के ऊपर उन दुश्मनों के कुत्तों और भेड़ियों के खाने जो हैं वो हमारी सरजमीन के ऊपर जाकर उन फौजियों के जो हमारे अफगानी भाइयों की खून की होली खेलते रहे उनके जिस्मों के टुकड़े करते रहे और हम सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के उनकी खून की कीमत खाते रहे और हम समझते रहे कि तकलीफ नहीं आएगी आफत नहीं आएगी बस फिर थोड़ी ही देर गुजरी तो तोपों के धाने हमारे नदरन एरिया की तरफ हमारे वाना के इलाकों की तरफ वहां पे खून की होली खेली गई वहां पे हमारे अस्सी हाफिज बच्चों के जिस्मों के कीमे कर दिए गए और हम पंजाब के लोग हम पाकिस्तान के लोग यही समझते रहे कि ये सब हमसे अभी भी दूर है कहां दूर है आज तो बम धमाके आज हमारी मस्जिदों में खून खराबियां ये सब क्या है यही है हयात दुनिया ये दुनिया की रसवाई है जो हम मिन हैसुल कौम भुगत रहे हैं हमारे रवैये अगर हम देखें हम मकदूब के रवैयों से बचने की दुआएं तो करते हैं आमीन तो कहते हैं सर तो धुनते हैं लेकिन रवैये उससे भी बदतर है अल्लाह हमें इस्लाह की तरफ पलटने इसतफार करने और इस सरजमीन को इस्लाम का किला बनाने की तरफ पलटने की तोफीक ताफर फरमाए अल्लाह सुबहाना ताल ने दो टोक फरमा दिया कि ये तुम क्या मजाक बनाए हुए हो और ये सोच लीजिए कि उन उन यहूदियों को जिनकी किताब ना मुकम्मल थी ना कंप्लीट थी ना महफूज थी ना अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया वो अगर तौरात में से पिक एंड चूज करते हैं तो उनको कहा जा रहा है कि दुनिया की जिल्लत और रसवाई और आखिरत में इससे बड़ा अजाब है हम हमारी किताब जो मुकम्मल जो कंप्लीट जो महफूज है हमें अगर हम कुरान में पिक एंड पिक एंड चूज करेंगे और जो आसान और सहल है, उनको लेंगे उन्हीं पर तबसरा हो रहा है कि ये तुम कुरान के साथ ये, तुम अल किताब की बेस्ट किताब के साथ, ये क्या मजाक का रवैया नाउजुबिल्लाए कुरान को पढ़ते हो जो आसान सहल अहकाम होते हैं जिनके जिनके अपनाने के बाद तुम्हें बरकतें मिलने सुकून और सकीना मिलने का इमकान नजर आता है लेकिन कोई भारी जानी माली माशी रूहानी नुकसान नहीं होता उन एहकाम को तो तुम पकड़ लेते हो लेकिन जिन अहकाम वो जो कड़वे कसैले मुश्किल भारी गिरा अहकाम है जिनको पकड़ने पर तुम्हें कोई माशी नुकसान होता है कोई तुम्हें तुम्हारी दुनिया की नुकसान और खसारे मिलने का इम्कान होता है उन मुश्किल अहकाम को तुम बड़ी आसानी से छोड़ देते हो ये वो जो मैंने उस दिन आपसे बात किया ये निफा की तो है ये निफा की तो है कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा दिन ले लेना और मुश्किल भारी भारी और कसेले अहकाम को छोड़ देना ये मुनाफिकाना रवैया नहीं तो और क्या है अल्लाह सुबहाना इस कुरान को जेर जबर शद, मद, गुन्ना की हिफाजत के साथ हम में से एक एक के घर तक इसको पहुंचाया इसलिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था कि हम अपने अपने ड्राइंग रूमों के कंफर्टेबल सोफों पर बैठे इसको पढ़ें इसको सुने और फिर बड़ी सहूलत से कह दें कि ये तो हम कर सकते हैं और हम ये नहीं कर सकते हम ये कहने लगे कि देखो अगर नमाज है तो वो तो हम सातर लिबास में अपने सरों के दुपट्टे अपनी ओढ़नियों को लपेट के सातर नमाज में हम लिबास नमाज तो पढ़ सकते हैं लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से मैंने जॉब करना है मैंने अपनी तरक्की के अंदर रुकावट नहीं डालनी ये नमाज वाला लिबास जो है वो मैं बाकी सारे जिंदगी और बाकी का दिन जो है वो अडॉप्ट करने से मजबूर हूँ मैं नहीं अडॉप्ट कर सकती ये पिक एंड चूज नहीं तो और क्या है ये कहना कि अगर कहोगे कि जक़ात दे दो सदकार कर दो गरीबों मस्किनों मोहताजों को खिला दो पिला दो हाँ तो ये तो हम कर सकते हैं लेकिन अगर माली और माशी मामला में तुम ये कहो ना कि सूद के काम को छोड़ दो तो हमारी फैक्ट्रियां हमारी बिजनेसिस का जो धंधा है वो सब मंदा पड़ जाएगा सूद को हम नहीं छोड़ सकते इस बैंकिंग सिस्टम को हम नहीं तर्क कर सकते अगर ये कहो कि जिक्र कर लो तस्बीहात कर लो ये सब हाँ ये तो हम कर सकते हैं ये तो खैर बरकत और सकीना का जरिया लेकिन अगर तुम कहो कि उसी जबान से चुगलियां मज़ाक उड़ाना छोड़ दो तो ये तुम्हारी सेकेंड इंस्टिंक्ट बन चुकी है ये हम नहीं छोड़ सकते यही अफो मिन बेबाजिल किताबी व तक फिरऊना अल्लाह कुरान में हमें काफा पूरे का पूरा कूद जाने का इस समुद्र में अल्लाह हमें तोहफी अता फरमाए समेना के बाद अताना सुनने के बाद अतात करने इस्लाम के समुंदर में कूद जाने और अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाने की तोफ़ी अता फरमा अल्लाह ने फरमाया तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो फिर तुम में से जो कोई ऐसा करेगा उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलीलुखार होकर रहेगा और, हो रहे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे अल्लाह उनकी हरकतों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो ये वो लोग हैं जिन्होंने आखरत बेच कर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है लिहाजा ना इनकी सज़ा में कोई कमी होगी और ना ही इन्हें कोई मदद पहुँच सकेगी हमने मूसा को किताब दी उसके बाद पै तर पै रसूल भेजे आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा रूहे पाक से उनकी मदद की फिर तुम्हारा ये क्या ढंग है कि जब कोई रसूल तुम्हारी नफ्स के खिलाफ कोई चीज तुम्हारे पास आता है तो तुम उसके मुकाबले में सरकशी ही करते हो किसी को देते हो किसी को कतल कर डालते हो वो कहते हैं हमारे दिल महफूज है नहीं असल बात यह है कि उनके कुफर की वजह से अल्लाह की फिटकार पड़ी है इसलिए वो कम ईमान लाते हैं और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आ गई है उसके साथ उनका बर्ताव बावजूद ये कि वो किताब की तस्दीक करती है जो उनके पहले से मौजूद थी बावजूद ये है कि इसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया खुदा की लानत उन मुनकरीन पर कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं जो हदायत अल्लाह सुबहाना तला ने इनको नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ़ सिर्फ इस ज़िद के बना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल से अपने जिस बंदे को किस को मोहम्मद सल असलम को खुद चाह है नवाज दिया है लिहाजा अब ये गज़ब बाले ग़ज़ब के मुस्तहिक हो गए इसीलिए इनको मकदूब कहा जाता है कि कुरान में अल्लाह के ग़ज़ब का इन पर तस्करा है ये गज़ब बालय ग़ब के मुस्तक हो गए और ऐसे काफरों के लिए सख्त ज़िल्त आमे सजा है ये जो कहा गया कि ये पहचान भी गए ये पहचान भी गए हैं और इससे पहले वो फतेह और नुसरत की दुआएं भी मांगते थे तो ये क्या रवैया है असल में जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दो खानदान की लड़ी एक बनी इसराइल और एक बनी इस्माइल बनी इसराइल के अंदर जैसे पीछे ही आयत में अल्लाह फरमार वक़्फीना मसुल एक नबियों की लड़ी का सिलसिला इब्राहीम इब्राहिम से हजरत मूसा दाऊद हज़रत सलेमान तक एक नबियों का सिलसिला जारी था इल्हामी किताबों का सिलसिला जारी था और इनकी तमाम इल्हामी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोईयाँ मौजूद थीं यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके वालिद का नाम अब्दुल्ल आपकी वालिदा का नाम आमिना कुरान में आता है इसमूँ अहमद उनकी किताबों में मौजूद था आपकी बस्ती का नाम आपके बस्ती के संगलाख पथरीली चट्टानों का तस्करा और फिर जिस बस्ती की तरफ़ मदीना की बस्ती की तरफ़ आप हिजरत करके जाएंगे वहाँ के खजूरों के बागात का यहाँ तक नबी वसल्लम के थी लिहाजा ये जमा के के थे। और हुआ भी ये कि जब इन्होंने अपने पिछले अंबिया की तलीमा छोड़ी और पसे पुष्ट फेंकी तो फिर इन पर जिल्लत और रसवाई मुसलत हुई और ये मजबूर और मजलूम हुए तो जब ये मजबूर और मजलूम और महकूम थे तो उस वक्त ये मोहम्मद इंतजार करते थे कबल होना और फिर जिन कौमों को जो इनके ऊपर गालिब थी जो इनके ऊपर और जबर करती थी ये इनको जताया करते थे बताया करते थे कि अब तो तुम हम पर म और जबर और गलबा रखते हो याद रखना जब हमारा नबी आ जाएगा ना जिसके हम मुंतजर हैं निगाह फरश किए बैठे हैं जब वो नबी आ जाएगा तो फिर तुम देखना अल्लाह हमें तुम पर गलबा देगा गोया ये नबी अलैहि वसल्लम की आमद को जानते थे पहचानते थे मुंतज़र थे उम्मीदें और आस लगाए बैठे और लोगों को जिताते हुए थे लेकिन जब नबी अलैहि वसल्लम का जहूर और मरबूस किया जाना बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में मक्का की बस्ती में हो गया तो बस यहीं से फिर रुदाद पलट गई ये हसद का शिकार हो गए और इनके दिलों में कीना और बुगज आ गया कि नबी अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में क्यों भेजा गया ये शायद समझते थे कि ये नबूवत और इल्हामी किताबों के गोया ठेकेदार है और बस यही इनसे एब्जॉर्ब नहीं हुआ और वो नबी जिनके मुंतजिर थे और आस लगाए बैठे थे ये उन्हीं नबी सल्हु वाली वसलम के सिर्फ मुनकिर ही नहीं इनकी जान के दुश्मन इनकी खून के प्यासे इन पर जादू कहानत के वार करने वाले बन गए और फिर जब मुश्किन मक्का वो जाहिल बदू लोग इनके पास नबी अलैहि वसल्लम की नबूवत की तहकीक और तस्दीक करने के लिए आते थे तो ये नहीं कि सिर्फ खुद नहीं मानते थे उनको साफ इनकार करके उनको मिसगाइड भी कर देते थे और नबी सल्ला वसलम की दुश्मनी में पूरी तेजगामी दिखाते थे उसी का तस्करा यहाँ पर किया जा रहा है और इसकी वो जो सारी रुदाद और कैफियत है ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा भी अपना वाक्या सुनाती हैं हजरत सफिया मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ये बनू नज़ीर के सरदार होयई बिन अख़तब की बेटी थी और हमें पता चलता है कि गज़बा ख़ैबर के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अद निकाह में आईं तो उससे पहले का वाक़या जो है वो रुदाद सुनाती हैं वो फरमाती हैं कि मेरे चचा और मेरे वालिद बहुत बड़े यहूदी आलिम थे यानी तौरात के आलिम थे और एक दिन उनका मुकालमा मैंने सुना और वो मुकालमा बताती हैं कि मेरे चचा मेरे वालिद के पास आए और उन्होंने पूछा कि यह शख़्स यानी मोहम्मद वाली जो नबूबत के दावे दावा कर रहे हैं क्या ये वही शख्स है जिसका तस्करा हमारी किताब में यानी तौरात में मौजूद है तो कहती है कि मेरे वालिद ने कहा हाँ खुदा की कसम ये वही शख्स है खुदा की कसम ये वही शख्स है फिर कहते हैं मेरे चाचा ने फिर तस्दीक की कि क्या तुम्हें यकीन है, वो ही है।, है कि कि ये वही शख्स है कहती हैं फिर मेरे बालिद ने कसम खाकर कहा कि हाँ खुदा की कसम ये वही शख्स है जिसका तस्करा और खुशखबरी हमारी तौरात में मौजूद है तो कहती हैं कि फिर चचा ने पूछा कि फिर क्या इरादा है वालिद ने कहा खुदा की कसम मरते दम तक ना उस पर ईमान लाऊंगा और उसकी मुखालफत पर जमा और डटा रखूंगा ये क्या था ये वो हसद था जो कीना था जो उनकी जिद उनकी ढिटाई उनकी अनानियत, उनकी स्टबननेस और ऑप्सनेसी और तकबर की वजह बनके उनके दिलों की डांट उनके कानों उनके कानों की डांट उनकी आंखों का पर्दा उनके दिलों का कुफल बनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का माने बन गया था तो इस पर कुरान ने एक दफा नहीं बारह तस्करा किया है जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया उस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उसी चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्लें इसराइल में उतरी है इस दायरे के बाहर जो कुछ आया ना उसे मानने से वो इनकार करते हैं हालांकि वो हक़ है और उस तालीम की तइद और तस्दीक का राय जो उनसे पहले मौजूद थी अच्छा इनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान लाने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगम्बरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे

व असवीना यह है मकदूब कौमों का रवैया अपने रब की तालीमत को सुनना समझना मानना और उसके बाद उनको अपनाने से इनकार कर देना अल्लाह हमें इस मकदूब रवैये से बचने और समयानना व तो अपनाने की तोफ़ी का ताफ़र उन्होंने कहा हमने सुन तो लिया मगर हम मानेंगे नहीं और उनकी बातिल परस्ती की वजह से उनका हाल यह था कि दिलों में उनके बछड़ाई बसा हुआ था कहो अगर तुम मोमिन हो तो यह अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकतों का तुम्हें हुक्म देता है उनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर तुम्हारे लिए मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम इस ख्याल में सच्चे हो यकीन जानो ये कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ उन्होंने कमा कर भेजा उसका भी बड़े हैं उनमें से तो एक, -एक शख्स कि हजार वर्ष जिये हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से दूर तो नहीं फेंक सकती जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं ना अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है उनसे कहो जो कोई जिब्राइल से अदावत रखता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से यह कुरान तुम्हारे कल्ब पे नाजिल किया है जो पहली आई हुई किताबों की तस्दीक और तायद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की खुशखबरी बनकर आया है हजरत जिब्राईल से बनी इसराइल की और यहूद की दुश्मनी और अदावत की वजह ये थी कि वो कहते थे कि नाऊज बिल्ला वो ये कहते थे कि ये सारा किया धरा हजरत जिब्राईल का ही है ना वो बनी इसराइल के अलावा बनी इस्माइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देते ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से नवास्ते तो आजमाइश हम पर आती और ना हम इनका इनकार करते इब्राहल पर जवाब दिया कि ने अपनी मर्जी से तो नहीं किया था ये तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मोहम्मद सलम के कल्बे मुबारक के ऊपर कुरान नाजिल किया था अच्छा यहाँ पर आयत नंबर नाइनटी सेवन में एक चीज देख लीजिये फाजी का कि के हजर जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर यह क़ुरान नाजिल किया ये नुक़त वाला कौफ है जिसको मोटा और हलक से निकाला जाता है ये अमूमी सा असूल देख लीजिए कि अगर कुरान के हरूफ़ को सही मखारिज के साथ और सही सिफात के साथ एड अदान नहीं किया जाता तो मानी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है अगर इस नुकतों वाले काफ को सही अंदाज़ में अदा नहीं किया जाएगा और क़ल भी का बजाय कल भी का कह दिया जाएगा तो कल्प का मतलब तो दिल है कल्प का मतलब तो दिल है लेकिन कल भी का का मतलब कुत्ता है तो नाउ बिल्ला मानी में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाएगा इसलिए कुरान के खरूफ को सही तरीके से अदा करना और तजवीद के क़वानीन के मुताबिक अदा करना जरूरी है अगर जब्राइल से इनकी अदावत का सबब यही है तो कह दो जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जब्राइल और मीकाइल के दुश्मन है अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयतें नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं और उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं अल्लाह हमें इनमें ना बनाना क्या हमेशा ऐसा नहीं होता रहा है कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ना एक ग्रोह ने उसे जरूर ही बालाए ताक रख दिया बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल इस किताब की तस्दीक और तयद करता हुआ आता है जो उनके पहले से मौजूद थी तो उन अहले किताब में से एक ग्ररोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुश डाल दिया गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं थे बनी इसराइल का रवैया और तस्करा किया जा रहा है कि इन्होंने हजरत मूसा स्लम के बाद अपनी इल्हामी किताबों को पसे पुष्ट फेंक दिया यानी उनको क्या किया उनको भुला दिया उनको सानवी अहमियत और उनको सेकेंडरी तरजीह ज़िंदगी में बना दिया अब जब इलामी किताब को और अल्लाह की तलीमत को फंसे पुष्ट फेंका तो फिर ज़ाहिर है वो मन घड़त चीज़ें और दुनियावी चीज़ों के पीछे लगे तो किसके पीछे लगे लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन शयातिन सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे हालांकि क्या है व मलेमान शयातिन

और टू द एक्सटेंड कि इतनी इखलाकी जिल्लत इनके अंदर आ गई कि फिर ये जादू टूने और मंतर करने लगे और पता है क्या बिलीव यू मी बदब्त और मकदूब कौम जादू और कहाानत जैसा बदतरीन अमल करके उसको जस्टिफाई और उसको कवर अप करती थी वो ये कहने लगे शैतान ने उनको ये समझा दिया कि हमारे एक नबी यानी हजरत सलीमान सलाम के कब्जे में जे थे और अगर वो जे से कुछ काम और सरगर्मियाँ करवाते तो हम अगर जिन्नात को काबू करके कोई अपने काम या कोई एक्टिविटीज या सरगर्मियां कराते हैं तो ये तो एन हमारे एक नबी की सुन्नत के मुताबिक है और ये तो गुनाह और गलत काम और जुल्म और ज्यादती तो है ही नहीं अल्लाह ने उनकी इस गलत रफी की नफी किस तरह की अल्लाह ने फरमा दिया वो अब आका सुलेमान कोई आगे चलने से पहले एक बात तो जहन नशीन कर लीजिए फिर ये सारे की सारी जो जादू इंडस्ट्री है ना ये क्या है वो जो मंत्र है वो कहानते हैं वो जादू है वो शहर है ये सब का सब अल्लाह ने इसको वाज तौर पर कुरान में एक जगह नहीं आज ही के सबक में अल्लाह ने जादू को कुफर करार दे दिए जादू करने वाला, करवाने वाला, इसके साथ जो भी पार्ट एंड पार्सल बनता है वो कुफर का मुरतकब है और वो काफिर अल्लाह ये तालीम हमें हमारे माशे में जहाँ जादू इतना आम होता चला जा रहा है ये तालीम हमें माशरे में आम करने की तोहफी कता फरमा दू तो लिहा और अगर आप ये देख लीजिए कि अल्लाह ने अपने अपने नबी हज़रत सुलेमान सलाम की बिरात की तो ये बिल्कुल दुरुस्त था हज़रत हज़र सलाम के जो कब्ज़े में जन्त थे वो बेज़न ला थे और वो पाबंद सलासल अल्लाह के हुक्म से रखे जाते थे और हजरत सुलेमान के मातहत अल्लाह के हुक्म से रखे गए थे उनके अपने किसी अमल को उसमें कोई जो है वो सरोकार नहीं था और फिर हज़र सलीमान सलाम इन जन््त के ज़रिए सारे के सारे काम जो करते थे वो मुस्बित थे वो प्रोडक्टिव थे वो खिदत खल दिन की साथ और तबलीग थी बड़े बड़े महलात बनाए जाते जिहादी लश्करों को लॉन्च करने के लिए तो वो सारे काम मुस्बित थे लेकिन इन अगर और और काहिनों को देखा जाए तो वो इंतहाई बुरे गंदे अमलियात के साथ जिन्हों को खुद काबू करते हैं और ये भी हमें मालूम है कि ये जो काफिर जादूगर है इनके कब्जे में आने वाले जिनात जो हैं वो मुसलमान जिनात नहीं होते वो काफिर जिनात होते हैं करने वाला भी काफिर कब्जे में आने वाला भी काफिर सारे के सारे काम और सारे का सारा गोरख धंधा जो है ये कुफर का धंधा है और इसमें सारे के सारे काम फितने के फसाद के लड़ाई के जुल्म और ज्यादती के काम है इसको एक नबी की सुन्नत बना के अडॉप्ट करने का कोई तस्वुर नहीं था अल्लाह ने उसकी नफी कर दी अब इस कॉम के अंदर बनी इसराइल के अंदर जब ये जादू और कहानत बहुत ज्यादा राइज होगी तो अल्लाह ने इस कॉम को आजमाया कैसे अल्लाह सुबहाना तला ने फरमाया कि वो पीछे पड़े उन चीज़ों के जो बाबिल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी हालांकि वो फरिश्ते जब किसी को भी इस बात की तालीम देते थे तो वो पहले साफ तौर पर मुतनबे कर देते थे क्या कहते थे इन नमाना फितना देखो तुम्हारी आजमाइशें फला कुफर तुम कुफर ना करो दूसरी बात इस बार इस बात की तस्दीक हो गई कि जातू कुफर है ये क्या हुआ था बनी इसराइल की एक बस्ती बाबिल की बस्ती वालों को अल्लाह ने दो फरिश्ते भेजे ये इंसानी शक्ल में आए इनका नाम हारूत और मारूत था और इन्होंने एक जादू की दुकान बनाई इस जादू की दुकान में वो बुनियादी तौर पर एक तो जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको जादू और मंत्र वगैरह करके देते थे और बियॉन्ड दैट कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनसे जादू सीखने के लिए आते थे ताकि आगे से इनसे जादू ना कराना पड़े वो खुद ही जादू नगरी को कायम करने वाले बन जाए और जब भी इनके पास इनके क्लाइंट्स दोनों कामों में से किसी लिए आते थे तो इनको वार्न कर देते थे कि देखो कुफर है ये ना करो क्यों ताकि इन पर इत्मामे हुज्जत हो जाए लेकिन ये लोग खुल के जादू करते थे और इन्होंने जादू की अंधेर नगरी मचाई हुई थी और सबसे बड़े के जादू पता है कौन सा करते थे फिर ये लोग उनसे सीखते थे वो चीज जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डालते ये बस्ती मैंने आपको बताया है कि अल्लाह और तौरात के अहकाम को छोड़ने के बाद शदीद इखलाकी तौर पर जो है वो जिल्लत का शिकार हो चुकी थी और ये अखलाक़ी और एथिकल बिगाड़ ही का मामला था कि जादू के साथ इस माशरे के अंदर वो फहाशी, वो अरियनी वो मोहब्बत और इश्क और, और जिना के किस्से आम हो चुके थे ये मियाँ बीवी में जुदाई का पीछे मुतहरक मामला भी यही होता था कि एक शख़्स को जब किसी ख़ातून के ऊपर वो आश हो जाता था तो वो उसके ऊपर जादू कराता था ताकि उन मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और ये ख़ातून इसके निका में आ जाए। ये बदतरीन अमल था जो ये बस्ती करती थी क्योंकि याद रखिएगा मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई का फितना डालना ये अल्लाह सुबहाना तला का सबसे नापसंदीदा और शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है रहमान का सबसे नापसंदीदा और शैतान का सबसे पसंदीदा अमल वो हदीस है ना सही हदीस के अल्फाज हैं कि शैतान जो है वो एक समुंदर के ऊपर अपना तख्त लगा के बैठता है आपको पता है ना कि अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से पहले फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से जिन्हों को समुंदरों और रेगिस्तानों और सहराओं की तरफ आंक दिया था तो ये शैतान जो है ना वो समुन्दर पर अपना तख्त लगा के भेजता है और वो जो उसके हरकारे और उसके जो चेले गए हुए होते हैं ज़मीन में फितना फसाद करने के लिए उनसे वो रिपोर्ट लेता है बड़ा ऑर्गेनाइज है अल्लाह हमें इतने ऑर्गेनाइज होकर उसके खिलाफ जमने और डटने की और अपनी औलादों की इतनी मुनजम होकर हिफाजत करने की तोहफी कता फरमाए ये रिपोर्ट लेता है तवील हदीस है इसलिए मैं मफूम बता रही हूँ कोई आके कहता है एक काम बताता है मैंने चोरी करवाई मैंने जेब कटवाई मैंने रिश्वत दिलवाई मुख्तलिफ वो काम बताता है और हदीस में आता है कि वो शैतान जो है ना वो हर कार्य की जो रिपोर्ट आती है उस पर अपना सर हिलाता रहता है और कहते हैं तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया यहां तक कि उसका एक बहुत बड़ा सा चेला आता है और वो कहता है कि आज मैंने दो मिया बीवी में लड़ाई डलवा दी जुदाई डलवा दी हाँ क्या किया घर तोड़ दिया तो लिहाजा उस पर हमें पता चलता है शैतान उठता और अपने इस चेले को अपने गले से लगाता है और उसको कहता है तूने बड़ा काम किया तो लिहाजा ये रहमान का सबसे नापसंदीदा और शैतान का सबसे पसंदीदा काम है ये याद रखिएगा ये कुछ लोग तो जादू टूने कहानतों और मंत्रों से करते हैं लेकिन कुछ लोगों की जबान कैंची की तरह इतनी तेज होती है कि उनको जादू करने की ज़रूरत ही नहीं होती उनकी जबान ही सारे रिश्तों को काट के बर्बाद करके घर को जला के रख देती है और मैंने आपको उस दिन बताया था ये सिर्फ जिसके अंदर है उसके अंदर कौन सा रंग है निफाक का रंग है अलहिर कल भी मफाकी अल्लाह फरमाते कि वो ये जादू सीखते तो थे लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वो इस जरिए से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर इसके बावजूद वो उससे सीखते थे जो ना उनको नफ़ा देती थी बल्कि नुकसान देती थी और उन्हें खूब मालूम था कि जो इसका ख़रीदार बनेगा ना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं कितनी बुरी मता है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को ही बेच डाला काश उन्हें मालूम होता अगर वो ईमान और तकबा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ उसका जो बदला मिल मिलता वो उनके लिए ज्यादा बेहतर था काश उन्हें खबर होती यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे कि जादू का जो भी अमल है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर जरर नहीं दे सकते थे इससे दो बातें तो बड़ी वाजे तौर पर जहन नशीन कर लीजिए कि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन कोई बड़े से बड़ा काहिन जादूगर साखिर अपनी मर्जी और अपने हुक्म से नुकसान नहीं देता जो तकलीफ बड़ी से बड़े मंत्र या कहानत या जादू से आती है वो आती अल्लाह के हुक्म से वो आती अल्लाह के हुक्म से क्योंकि इस जमीन पर इस जमीन के ऊपर तो कोई दरख्त का एक पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता तो जो बड़े से बड़े साहिर और काहिन के मामले और कोशिश और चाल से आती है ना उसमें पीछे कार फरमा अल्लाह ही का हुक्म होता है तो फिर एक बात तो जहर नशीन कर लीजिए कि आज के बाद किसी दुश्मन किसी साहिर किसी जादूगर से डरना नहीं है डरना वो जो अल्लाह फरमाता है ना फला तक डरना सिर्फ अल्लाह से और दूसरी बात यह है कि जब आती अल्लाह के हुक्म से है तो फिर जाएगी किसके हुक्म से जाएगी भी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के कलाम से जब किसी को किसी जादू की फिकर या जादू का इमकान लाहा हो तो फिर इसके तोड़ के लिए अल्लाह और अल्लाह के कलाम की तरफ पलटना है जिसके हुक्म से आई है उसकी तरफ पलटना है ना के दूसरे जादूगरों से इसका तोड़ कराने के लिए भाग दौड़ करानी और यहाँ पे मैं बताती चलूं कि जादू का तोड़ जादू तो हमने देखा कुफर है लेकिन जादू का तोड़ कराने के लिए जब काहिनों और जादूगरों के पास जाते हैं तो जिसके साथ वो तोड़ किया जाता है वो काला जादू है और वो उससे भी बड़ा कुफर है कहीं उस जादू का तोड़ कराते कराते हम कुफर के मुरतकब या कुफर के मुआविन न बन जाए जादू के तोड़ के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम और नबी वसल्लम की तालीमात की तरफ रजू करना जरूरी है और यही तोल्ला का बेहतरीन तरीका है जादू की हकीकत के हवाले से तबसरा जो यहाँ पे मैं करूंगी एक तो ये बात है कि जादू बरहक है बरहक का मतलब ये नहीं है कि ये करना हक है इसकी हकीकत है जादू एक्चुअली एग्जिस्ट एंड इट इज वेरी मच देयर नंबर वन बात तो मैं ये बताऊंगी कि ये हो तो जाता है कर तो लिया जाता है लेकिन ये उतना आम नहीं जितना हमने आम बना लिया है हर दूसरा बंदा हर चीज के ऊपर उसको जादू की मोहर और लेबल लगा देता है ये उतना आम नहीं है जादू तो हुआ मोहम्मद सल्ला वसलम पर यहूद जिनकी मनफी रवैया और उनका हसद और कीना और अदावत थी उन्होंने नबी सल्हु वसम का मुँह मुबारक आपका बाल मुबारक लिया था और फिर वो एक मोम का पुतला उसमें सुइयाँ चुभोई थी गिरे नफ़ा सातफ़िलौद उसके ऊपर गिरें लगाई थी और फिर उसको एक नर खजूर के खोशे में वो बनी जो का जो कुआँ था उसके नीचे उसकी तय में दबा दिया गया था और आहिस्ता आहिस्ता आप सल्ह वसलम पर इसका असर हुआ था और आपको लगता था कि आप अंदर से ही घुलते चले जा रहे और फिर आपने ख़्वाब

और ये भी वाजे कर लीजिए कि जरूरी नहीं कि कोई गुनागारों के ऊपर ना फरमानों के ऊपर गंदगी में रहने वालों कोई ऐसा मामला नहीं है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम पर हो सकता है तो किसी इबादत गुजार किसी नेक और सवाले पर भी हो सकता है ये किसी पर भी हो सकता है उसकी दुश्मन की चाल की वजह से इस्बाब और वसाइल की वजह पर बहरहाल जादू कैसे होता है और इसके क्या इसबाब और वसाइल है ताकि इससे हिफाजत और इसके तोड़ का तरीका आपको समझ में आ जाए जादू कुछ जादू करने के जो दो तरीके हैं बुनियादी तौर पर एक तो मंत्रों और कलाम के ज़रिए किया जाता है और दूसरा जन्ात के ज़रिए किया जाता है मंत्रों के ज़रिए और कहानत जो की जाती है कलाम वग़ैरह के ज़रिए यह नस्बंद कम है और वैसे हम जानते हैं कि कलाम का असर जिसम पर हमारे असाब पर और जिसम जिसमानी सतह पर कलाम का असर खोता है मसा आप देखें कि कोई शख्स प्यार से बात करे कोई गुस्से से बात करे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो उसका असर हमारे हवास पर होता है ना एक डाकू आता है कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखता है और कहता है निकाल अपने पैसे तो क्या क्या असर सिर्फ दिल पर होता है क्या सिर्फ खौफ होता है नहीं निगाहें फटी की फटी रह जाती हैं खलक़ खुश्क हो जाता है जबान खुश्क हो जाती है होठ खुश हो जाते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है सांस फूल जाता है हाथ पांव के ऊपर पसीना छूट जाता है ये सब किसके ऊपर असर है सिर्फ हमारे हवास पर तो असर नहीं होता हमारे हमारे जज्बात के साथ साथ हमारे जिस्म के ऊपर भी कलाम का असर होता है और आपने इस कलाम का असर बहुत दफा जिस्म पर महसूस किया होगा कभी वो तराने सुने जब हम तराने सुनते हैं और वो मार्शल ट्यून्स वाले तराने वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है अल्लाह ख अकबर अल्लाह खो अकबर है मर्द मुजाहिर जाग जरा है वक्त शहादत आया है कितनी जबरदस्त उसकी वो मार्शल ट्यून है और वो बीट हम सुनते हैं और वो अल्फाज हम सुनते हैं तो ऐसे जैसे दिल के अंदर और जिसम के अंदर वो लग नहीं रहा होता कि खून गर्दिश करे और एक वलविला और एक जज्बा अंदर पैदा हो रहा होता है और हमारे जिसम पे भी असरात पैदा होते हैं तो ये चीज़ पर एक अटल हकीकत है कि कलमात और बाते जो है वो दिल पर और जिसम दोनों पर असर करती हैं तो बस ऐसे ही कुछ मंत्र हैं जो कहानत में जिसम और हवास दोनों पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन अक्सर जादू जिन्नात के ज़रिए करवाया जाता है और ये आमिल काहिन जादूगर जिनात को काबू जैसे करते हैं उस तरीके के बारे में मैं मुख्तर सरुदार महज इसलिए बताऊंगी कि सारे के सारे सिस्टम और इसके इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को जब हम समझेंगे तो इससे हिफाजत के तरीके और इसके तोड़ के तरीके ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगे ये आमिल ये काहिन ये बाबा ये जो मुख्तलिफ़ नाम है जादूगरों के ये बहुत ज़्यादा गंदे अमल करके जिनात को अपने काबू में करते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि काबू में आने वाले जिनात मुस्लिम नहीं होते वो काफिर ही होते हैं जो बुनियादी काम ये आमिल अडॉप्ट करते हैं जिनात को काबू करने के लिए एक तो शदीद गंदगी और नापाकी का बंदोबस्त और औरतमाम करते हैं दूसरा कुरान की नौजबिल्ला गुस्ताखी करते हैं और बहुत ही गंदगी का मामला करते हैं हमें पता चलता है कि ये सालों साल इन्हें सारी सारी जिंदगी जो है वो नापाकी की हालत में रहते हैं गसल नापाकी के गुसल जो है उससे ये परहेज करते हैं और बियॉन्ड इस गंदगी और नापाकी की हालत के बावजूद जिस्मानी गंदगी के बावजूद अपने जिस्म के ऊपर गंदगी फजलात वेस्ट एक्ट्रीटा हेज वगैरह का खून अपने जिस्म पर मलते हैं और मज़ीद गंदगी में इजाफा करते हैं जब इन्होंने चिल्ला काटना होता है चिल्ला काटने के लिए यह गैर आबादी इलाकों में सेहराओं में डेजर्ट्स में कब्रस्तानों में चले जाते हैं कब्रें उ वहां पे खड़े हो जाते अकेले तन्हाई में गैर आबादी इलाकों में जाते हैं और इस गंदगी के वाले जिसम के साथ गंदगी अपने जिसम पर मल के अगला काम जो नाउजबिल्ला सुमा मिन ज़ालिक करते हैं कि कुरान की बहुत नाउज़बिल्ला बदतरीन गुस्ताखी का काम करते हैं उसको नाउजिल्ला अपने पाँव में रोनते हैं उसको गंदगी में नाउजिल्ला डालते हैं नाउजिला फजलात के अंदर उसको डालते हैं और फिर उसको गंदगी के साथ गंदगी पे लिखते हैं यहाँ तक के पता चलता है कि जानवरों का उल्लुओं का चमगादड़ों का और हैज तक के खून के साथ कुरान की आयात को उलट पुलट करके गंदे तरीके से लिखा जाता है ये मैं इसलिए बता रही हूं कि आपको पता चले कि ये धंधा कितना गंदा है और इससे कराहत हो जाए और इससे नफरत हो जाए और इसके करीब भी जाने की कोई आरज़ू और ख्वाहिश भी ना दुनिया के दिल में रहे इस सारे अमल से ये अपने इर्द गिर्द जब अपने बियाबान इलाकों में जाते हैं तो अपने गिर्द वो एक अहात सा दायरा सा खींच लेते हैं और इस जायचे की वजह से वो जिन्नात इनके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं वो शरीर का फिर जिन्नात और इनको डराते हैं और धमकाते हैं जो इनसे खौफजदा हो जाता है फिर जिन्नात इनके ऊपर काबू पा लेते हैं कुछ की टांगे बाजू तोड़ते हैं और कुछ को तो वो मार ही देते हैं और फिर अगर वो इन जिन्नात से ना डरें तो फिर ये जिन्नात इनके काबू में आ जाते हैं और फिर इन जिन्नात के साथ ये अपने जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनकी मदद करते हैं उनके दुश्मनों को डराते हैं वो आवाजों का आना वो खून का आना वो चीजों का हिलना चीजों का गुम हो जाना और फिर जादू के असरात वगैरह करना ये वो आमिल करते हैं तो गोया अगर हम परहेज़ के लिए या हम इलाज के लिए देखें तो जो बुनियादी चीज़ें फिर इस जादू के तोड़ और हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं एक तो ये हाँ जी ये भी मैं ज़रूर बताती चलूँ कि जिन का इंसानी जिसम पर का अकेला खुद ब खुद बज़ात खुद जिन जो है वो इंसान के जिसम को नुकसान नहीं दे सकता और ना ही उसके जिसमें दाखिल होकर उसके अंदर खलूल होकर उसको कोई तकलीफ़ या अजीत दे सकता है जिन अगर किसी इंसान के ऊपर काबू पा है या उसको तकलीफ या नुकसान देता है तो वो अपने आमिल की मदद से देता है और जिन के दुश्मन इंसानी जिसम के ऊपर तसलुत के लिए जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं यानी द फैक्टर्स विच मेक द पर्सन एन ईजी प्रे टू द एक्टिविटीज ऑफ द जिन वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं कि अगर वो शख्स इंतहाई नापाकी और गंदगी की हालत में है अल्लाह की सरकशी और फिस्क की हालत में है और फिर यहाँ ये कि वो बहुत शदीद गुस्से की हालत में है या खौफ की हालत में है और यहाँ या फिर ये कि जिसमानी बीमारी या कमज़ोरी की हालत में है तो ये पाँच फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिन का काम उस इंसान के जिसम के ऊपर आसान हो जाता है एंड दिस पर्सन फॉल्स इन ईजी प्रे टू द जिन इफ़ पॉसिबल तो लिहाजा हिफाजत के लिए फिर यही है कि अगर किसी को इम्कान हो कि उसके दुश्मन है और उसके ऊपर ये मामला होने का इम्कान है तो फिर वो क्या करेगा सबसे पहले तो वो हत तो मकान पाकी और तहारत का इम, जो एहतमाम करेगा जब गसल की हाजत है पाकी की आ, किसी भी नापाकी की हालत में वो चाहे जनाबत है या हेज़ है तो फौरी तौर तो पर गसल करना बा वज़ू हतमकान हर वक़्त बाज़ू रहने का अहतमाम सिर्फ जिसमी ही को नहीं अपने लिबास को अपनी निगाहों को अपनी कानों को अपनी ज़बानों को साफ रखना अपने माहौल को अपने घर को अपनी सोबत को पाक साफ सुथरा रखना शर्क से बेदास से बेहयाई से फहाशी से अपने टीवी स्क्रीन ग्रीन्स के ऊपर जो है वो नापाकी और गंदगी के नजारों से इज्तनाब करना ये पाकि का एहतमाम दूसरी बात यह कि फिर ज़िक्र इलाही आपको पता है हमने उस दिन भी मैंने आपको बताया कि बातिल बातिलकुतें सूर्य बकरा का मुकाबला नहीं कर सकती जहाँ सूर्य बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाते हैं और ज़िक्र भी जहाँ पर होता है वहाँ से शैतान भाग जाता है तो जबानों पर ज़िक्र नमाज कुरान नमाज के बाद के मसनू असकार सुबह शाम के असकार तस्बीहात का एहतमाम और फिर सूर्य बकरा लगाई जाएगी पढ़ी जाएगी बहुत से लोग कहते हैं कि जी रोज़ मेरे पास एक जादू की परेशानी में खातून आई और उन्होंने कहा कि किसी साहब ने उनसे कहा कि सुबह दोपहर शाम जो है ना वो सूरा बकरा पड़े अरे खातून आप देखें क्यों बेजा का जुल किसी के ऊपर इतनी बंदिश डालती हैं वो जो पहले ही जादू के जोर से खातून ने ढाल है उसको ढाई से पारे सुबह दोपहर शाम पढ़ने का ये कोई एंटीबायोटिक के कैप्सूल तो नहीं है जो हम टीडीएस की डोज की शक्ल में दे रहे हैं आप उसको ढाई से पारे सुबह दोपहर शाम पढ़ने की ताकद कर देंगी वो कैसे पड़ेगी और फिर जब वो इतनी तेजी में पड़ेगी तो तजवीज की गलती या राब की गलती तो लिहाजा और फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हर वक्त लगी रहा मैंने उस दिन भी आपको बताया था के आदाब तलावत जो हैं वो ये हैं कि जब कुरान कोई सुन रहा है तो उस वक्त लगाया जाए तो जब लोग सुन रहे हैं या वो शख्स है, है, है या पढ़ सकती है उतना वो पढ़ लें बहरहाल और फिर उसके बाद ये खुराक में खुराक में अगर हम देखें तो आप सल्हेम ने फरमाया कि जो शख्स हर सुबह हर रोज सुबह या जिस दिन वो सुबह सात अजवा खजूर खा लेगा तो उस दिन वो जहर और जादू के असर से महफूज हो जाएगा तो ये हिफाजत के लिए भी है और इलाज के लिए भी है और फिर उसके बाद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काली चीज़ यानी कलॉन्जी उसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है और फिर ज़ैतून और जैतून का तेल वगैरह जो है इसको, इसको इस्तेमाल करना ये वो सारी चीज़ें और फिर अपनी सेहत का ख़्याल रखना क्योंकि जब जिसमानी तौर पर इंसान कमजो है तो फिर असाबी असरात भी आसानी से मुरतब होते हैं तो ये हिफाजत की कुछ चीजें और फिर साथ साथ अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी और फिस्क और फजूर को भी अपनी जिंदगी से खारिज करना बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक द पर्सन एक नवाल तर फॉर द जिन और फॉर उसका जादूगर उसका आमिर तो ये एक परहेज और हिफाजत का तरीका कार है इलाज के हवाले से ये मैं सबसे पहली बात जो कुछ हद तक मैंने पहले भी की ये लाजिमन याद रखिए कि जब किसी को कोई जिस्मानी असरात हैं तो सबसे पहले वी आर नॉट गोइंग टू जंप कि ये जादू है सर में दर्द हो गया या कोई जिस्म दुखने लगा हो गया जादू करवा दिया जादू नहीं पहले डॉक्टर्स पहले इन्वेस्टिगेशंस पहले डायग्नोसिस पहले रिसर्च फिर इलाज और फिर अगर सारी चीजों में या तो किसी बीमारी का पता ही नहीं चलता तबीबों को कोई सिरा ही नहीं मिलता या कोई दवाई या कोई इलाज काम ही नहीं देता अफाका ही नहीं आता तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सोचेंगे कि ये जादू है हमारे यहां सबसे पहली चीज जो है वो जादू सोची जाती है नहीं ये ऐसे नहीं होगा लेकिन बहरहाल जब जादू का इम्कान लग रहा हो तो एक तो ये जो मैंने सारे हिफाजती तदाबीर पाकि के हवाले से नाफरमानी सरकशी को छोड़ने की के हवाले से और खुराक के हवाले से ये सारे बताए और जिक्र के हवाले से बताए इनको भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा और फिर इब्ने अब्बास के हवाले से जो फतावा में तरीका मौजूद है कुरान का उसको अपनाया जाएगा कुछ चीजें रख लीजिए अपने सामने रख लेंगे और फिर हम कुछ مخصوص कुरान की आयत और सूरतों की तिलावत करके इन पर दम करेंगे ये चीजें कौन सी रखी जाएंगी अजवा खजूर कलौंजी जैतून या जैतून का तेल और फिर पानी ये रखने के बाद किसी बर्तन में पानी एक जग भर के रख लीजिए और बाकी चीजें थाली वगैरह में रख लीजिए और फिर कुछ कुरान की आयत की तलाबत करनी है अल्लाह के हुक्म से आई है अल्लाह की आयत से इसका तोड़ किया जाएगा और कुछ नहीं क्या पढ़ा जाएगा अव्वल सबसे पहले सूरा फातिहा सूरा फातिहा के बाद अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम ये दो दफ़ा भी पढ़ा जा सकता है एक दफ़ा भी पढ़ा जा सकता है दोनों चीज़ें और तीन दफ़ा भी पढ़ी जा सकती हैं उसके बाद सूरा बकरा की कुर्सी सूरा आराफ की आयत नंबर 117 से लेकर 122 मैं अपनी सामीन को बता दूं कि ये हमारे पास रिटर्न फॉर्म में भी अवेलेबल है हमारी इंतज़ामिया से आप पूछ के ले लीजिएगा इसका बाकायदा एक पेम्फलेट हमारा मौजूद है मेरा ख्याल है हम कोशिश करेंगे कि इसकी पी फाइल जो है उसको हम पोस्ट कर दें आपके लिए राफ की आयत नंबर 117 से लेकर 122, हंड्रेड यूनुस की आयत नंबर 79 से 82 और सूर्य तोह की आयत नंबर 65 से 70 और फिर सूर्य और अल अलमुजमिल फिर उसके बाद चारों कुल इसमें सूर्य नास सूर्य फलक सूर्य काफर और सूर्य कुल और फिर सूर्य और फिर उसके बाद आखिर में दरूद इब्राहिमी ये सब कुछ पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों पर एक ही दफ़ा दम कर लिया जाएगा खजूरें खा लें चुटकी भर कलौजी भी ले लें जैतून का तेल अगर सर में दर्द है तो उस मालिश कर लीजिए आंखों में दर्द है तो पानी में डाल कर तेल के कतरे आंखों में डाल लीजिए जिसम के जिस उज और जोड़ में तकलीफ है उस पर लगा लीजिए या खाने वगैरह में डाल दीजिए और जैतून वैसे खा लीजिए और फिर पानी पानी के तीन हिस्से किए जाएंगे एक हिस्सा पानी जो है वो घर के पीने वाले पानी आपके डिस्पेंसर्स हैं आपके फ्रिज की बॉटल्स हैं जो भी आपके पीने के घड़े वगैरह हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाएगा ताकि घर के सारे ही अफराद पिए अगर एक शख्स टारगेट हुए तो इम्कान है कि बाकियों के ऊपर भी उसके असरात मुरतब होंगे घर के पीने वाले पानी में दूसरा फिर इस पानी के साथ घर में छिड़काव किया जाएगा स्प्रिंकलिंग है चाहे आप हाथ से चींटे मार दीजिए चाहे स्प्रे गन में ये पानी डाल दीजिए जिस घर के हिस्से में वो शख्स जिस पर जादू की फिक्र है उस घर के हिस्से में ज्यादा स्प्रे कर दीजिए और एंट्री और एग्जिट दाखले और खारिज होने की जगहों पर और घर के वो हिस्से जहां पर कोई रहता नहीं है रिडंडेंट पोर्शंस ऑफ द हाउस उनके अंदर भी ज्यादा पानी जो है वो छिड़काव कर दीजिए और फिर तीसरा हिस्सा पानी गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा गुस्ल के लिए सात बेरी के पत्ते या तो उनको दो पत्थरों के दरमियान कुचला और ग्राइंड किया जाएगा और या उनको पानी में इस तरह उबाल लिया जाएगा कि पानी में हल्का सा सब्ज रंग आ जाए इस बेरी के पत्तों वाले सब्ज रंग के पानी में फिर वो दम वाला पानी मिला दिया जाएगा नॉर्मल तरीके से जैसे आपने गसल करना है नॉर्मल गसल कर लीजिए और फिर इस बेरी वाले और दम वाले मिक्स्ड पानी को एक भरे हुए बर्तन के पानी में डाल दीजिए अब जिस बकेट में आपने ये सारा पानी तैयार कर लिया है जिसमें बेरी के पत्ते और दम का पानी भी मौजूद है इसको फिर गसल से फारिग होने के बाद सारे जिसम पर पोर किया जाएगा सर पर सारे जिसम पर मेकिंग इट श्योर के क्रीजेज और सारे बॉडी पार्ट्स को ये टच करे पानी दाखिल हो जाए खास तौर पर सर की पुश्त और कमर की पुश्त क्योंकि इन चीज़ों की गिरफ्त इस इलाके में ज़्यादा मजबूत होती है अच्छी तरह खुला पानी बहाया जाएगा और ये जो सारा अमल बताया गया है यह सात दिन या चौदह दिन या इक्कीस दिन इस यकीन के साथ किया जाएगा कि अगर यह जादू है तो इस तरह टल जाएगा और वो कट जाएगा इसके असरा जायल हो जाएंगे लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो असरा जायल नहीं हुए तो फिर ये जादू नहीं ये कुछ और है लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि अगर किसी दुश्मन ने या किसी हासिद ने ये एक दफा किया है तो इम्कान है कि उसके असरा फिर फिर आएंगे तो हिफाजत के तरीके बहरहाल अपनाए रखना जरूरी है अल्लाबहाना ताला हमें जादू की हकीकत को समझने इसको कुफर समझ के खुद इससे इज्तनाब करने और अल्लाह हम सबको और हमारे अहल खाना को इसके असर से हिफाजत फरमाए ए लोगों जो ईमान लाए हो रईना ना कहो बल्कि ऊन ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो ये काफिर तो अजाब अलीम के मुस्क हैं ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है हाँ वो अहले किताब में से हो या मुशरक हो, हर किस ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो मगर अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है वो बड़ा फजल फरमाने वाला है अब ये एक और तसवुर के रायना ना कहो अंजुर ना कहो ये क्या था असल में होता ये था क्योंकि ये मदनी सूरत है और यहूद के बारे में तस्करा आ रहा है और मकदूब के रवैये बताए जा रहे हैं तो मदीना की बस्ती में नबी सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम की जब कोई तालीम की महफिल या मस्जिद नबी में कोई मजलिस या नशस्त होती थी तो इसमें यहूद भी आ जाते थे और यहूद जब वहाँ बैठते थे तो वो अपनी मनफी सरगर्मियाँ नबी सल्हलम से जो ने हसद और उनकी दुश्मनी और अदावत थी उस महफ़िल में बैठ के वो अपनी मनफी सरगर्मियों से बाज नहीं आते थे और ये उनमें से एक मनफी सरगर्मी है जिसका तस्वर जिसका तरीका बताया जा रहा है और फिर उसके हल का तरीका सुझाया जा रहा है आगे चलने से पहले ये ज़रूर गौर कर लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में कितनी कुशादगी है कितनी ओपननेस है कि आपकी महफिलों में यहूदी भी मौजूद हैं और आपके दरवाजे यहूदियों के लिए भी मस्जिद के और आपकी महफिल के बंद नहीं किए जाते थे मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है आज हमारी मस्जिद के एक फिरके के दरवाजे दूसरी मस्जिद दूसरी फिरके के लिए बंद है और एक फिरके का बंदा दूसरी मस्जिद के फिरके, दूसरे फिरके की मस्जिद के अंदर जाने से डरता भी है और वो खाइफ भी है मुझसे याद है कि आज से कुछ साल पहले एक खातून मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि जी मेरे ससुर बहुत बीमार हैं और बहुत जख्मी हो गए हैं और उनकी कोई हड्डियाँ भी टूट गई हैं तो बस आपसे दरखास्त करनी थी कि आप उनके लिए ना याबी और शिफा की दुआ करें तो मैंने कहा जी मुझे नाम बताएँ मैं इन ज़रूर करूँगी लेकिन मैंने साथ ही पूछा कि क्या बात है क्या बीमारी है और हड्डी टूटी है तो क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है एन इमेजिन वी केम आप कैद उन्होंने कहा कि मेरे मेरे जो ससुर हैं वो बाजमात नमाजी और बहुत बाकायदगी से मस्जिद में जाते हैं और अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाते हैं कहती हैं कि उस दिन किसी काम से वो कहीं बाहर गए हुए थे मस्जिद नमाज का वक्त हुआ तो जो मस्जिद सामने रस्ते में आई उस मस्जिद में दाखिल हो गए और उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी कहती हैं कि इनको ऊंची आमीन कहने यानी आमीन बिल जहर की आदत है तो जब सुरफाते आई और आमीन हुई तो उन्होंने ऊंची आवाज़ से आमीन कह दी कहती हैं कि नमाज फारिग होने के बाद सलाम फेरने के बाद कुछ तीन चार ऊँचे लंबे नौजवान से लोग आए और इनसे पूछा कि ऊंची आमीन आपने कही थी इन्होंने कहा कि हाँ इनको मारा उनको पीटा उनकी बुजुर्गी उनके सफेद बालों और सफेद दाढ़ी का भी ख्याल और हया नहीं रखी, और उनको मारा पीटा और फिर उठा के उसके बाद मस्जिद से बाहर फेंक दिया मस्जिद से बाहर फेंकने की वजह से वो जख्मी भी हुए और उनकी हड्डियां भी टूट गईं। हम क्या कर रहे हैं और हम कहा जा रहे हैं ये दिलों की तंगी और ये फिर की आग हमारी मस्जिदों के अंदर उसके शोले इतने भड़क रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के दरवाजे जो हैं मजलिस के दरवाजे जो है वो यहूदियों के लिए भी खुलने अब ये यहूदी आते थे तो राईना राइना अरबी जबान में इसका मतलब होता है हमें हमारी रायत कीजिए जब एक बंदा किसी दूसरे की बात सुन रहा होता है और उसे बात पूरी समझ में नहीं आती तो जैसे हम कहते हैं ना आई या हम कहते हैं प्लीज एज इफ़ वी वॉन्ट कि वो बंदा जो है वो बात जरा रिपीट कर दे तो अरब उस महफिल में राइना कहते थे हमें हमारी रहायत करें लेकिन ये तो आपको पता है ना कि यहूदियों का पुराना ही तरीका था उन्होंने हिता तु उनको बदल के हिन्ता उन कहा था जबानों को मोड़ तोड़ के वो अल्फाज को तो अपनी मौका महल से बदल के कुछ और मतलब मतलब क्रिएट करने के बड़े माहिर थे तो वो राइना के बजाय कहते थे आइन की जेर को जरा लंबा यानी या का इजाफा कर देते थे और इसका मतलब क्या होता था नाजुबिल्ला आप अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ए हमारे चरवाहे तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला ने हाँ यहाँ रुक कर देखें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अब आइंदा से यहूद को रोक ही दो इनको बंद कर दो यहाँ पे मजलिस में आने से अल्लाह ने कहा कि आगे से रायना जो एक डिस्प्यूटेबल सा वर्ड है इसके साथ एक गलत मानी निकालने का इम्कान है राइना कहा ही ना करो और अल्टरनेटिवली क्या कहा करो उन कह लिया करो कि हमारी तरफ देखें हमारी तरफ मुतवजे और हमारी बात सुने और वैसे क्या किया करो वैसे ही पहले से बात सुना करो ताकि तुम्हें रायना कहने की जरूरत ही ना पड़े अल्लाह सुबहान तला हमें भी दिलों और जेनों में कुशादगियाँ अता फरमा और अल्लाह सुबहान तला हमें दिलों की तंगी से बचा आगे फरमाया गया आयत नंबर 106 हंड्रेड एंड मिन आया तिन औ नुन सिहा ना तिबी खैर मिन हा औ मिसली हा अलम तलाकुल्ल शदीर हम अपनी जिस आयत को मंसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह उससे बेहतर या कम कम से वैसी आयत ले आते क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जमीनों और आसमानों की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने वाला और मदद करने वाला नहीं है ये क्या कहा जा रहा है कि मनसूख कर देते हैं और भुला देते हैं इस आयत में कुरान के अलूमुल तफ़सीर के हवाले से एक असूल जिसे अकीदाए नस्ख कहा जाता है उसको बयान किया जा रहा है इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बात बताऊं कि हम सब जानते हैं कि कुरान यक मुश्त सिंगल सिटिंग में नाजिल नहीं हुआ था तेईस साल के दौरानिये में बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ था और इस हकीकत की वजह क्या थी ये मैं मुख्तलिफ मकाम पर बयान करती हूँ और आगे भी होता रहेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने की जो एक वजह थी वो ये थी कि ये लोग जो जाहिल थे जो बहुत एक बिगड़ी हुई कौम थे शदीद अखलाकी तनजुल का शिकार थे इनको अगर सारे के सारे एहकाम एक दम से दे दिए जाते तो शायद इनकी तरबियत और इनकी ट्रेनिंग पॉसिबल ही ना होती आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो इनकी घुट्टी में रची बसी हुई थी और वो इतनी डीप रूटेड थी माशरे में कि उनको वन फाइन मॉर्निंग एरेडिकेट करके उनको माशरे में से निकालना मुश्किल था उनको एक ही दिन सारे का सारे का इराडिकेट करना पॉसिबल ही नहीं था मसलन शराब था सूद था ये बिल्कुल इनके माशरे के अंदर डीपली इन रूटेड थे तो इनको वन फाइन मॉर्निंग उखाड़ के फेंकना मुमकिन ही नहीं था तो ऐसी कुछ चीज़ें इनके अहकाम जब कुरान में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इनको आहिस् आहिस्ता पहले एक दर्जे का हुक्म आता था वो उसके आदी हो जाते थे उसको एबजॉर्ब कर लेते थे वो लॉन्च हो जाता था तो फिर उससे जरा अगला हुक्म आता था फिर उससे अगला और फाइनल हुक्म आता था तो ये स्लो स्टेडली प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरबियत की गई और आहिस्ता आहिस्ता इनकी रेडिकेशन और करेक्शन की गई इसलिए ये अकीद नस कुरान में मौजूद है और ये याद रखिएगा जब अगला हुक्म आ जाता था तो पिछला हुक्म हदीस की रूह से मनसूख हो जाता था इसको अकीदा नस कहते हैं। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको कुछ मिसालें बताऊं, मसलन अभी आगे जाके हम सूर्य बकरा में पढ़ेंगे। रोज़ों के अहकाम जब आए इब्तदाई तौर तो में जब रोज़ों के अहकाम पहला साल जब आ, हिजरत के बाद जब हुक्म आया रोज़े रखने का या आयो लजीना आमनुतबुम सियाम कमुतब लजीना मिन कबिल क़ुम लाकुम तत्तकुन तो पहले साल ये हुक्म इजाज़त थी कि तुम चाहो तो रोज़ा रख लो और चाहे हो तो तुम फिदिया दे दो और चाहे तो तुम दोनों कर लो लेकिन अल्लाह ने एक फ़ीलर दे दिया था बिकॉज दे वर नाट यूज़ टू फास्टिंग ना उनको रोज़ा रखने की आदत ही नहीं थी तो अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया साथ ही वा खैर को मिनकुन तुम ता देखो वैसे अगर तुम रोजा ही रख लो ना तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है तो ये पहला हुक्म था और आहिस्ता आहिस्ता वो आदि हो गए अगले साल से पहले फिर अल्लाह सुबहाना वो आयत नाजिल कर दी जो इसी रकू में है अल्लाह ने रमजान के महीने की बरकतें बताने के बाद कैटेगोरिकली फरमाया फमन शाह मिन कुमो शहर फल या सुम अब तुम्हें यह महीना मिलेगा ना फल या सुम तो अब तुम्हें कैटेगोरिकली रोजे रखने हैं और वो जो फिदी की इजाजत और छूट है फिर वो सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ दी गई जो जो क्या करते हैं जो ऐसे बीमार हैं शिफा याब होने का इम्कान ही नहीं था ना फिदीय की इजाजत सिर्फ उनके लिए छोड़ दी गई और जब ये दूसरा हुक्म आया तो पहला हुक्म वो मनसूख हो गया सिमिलर इज फॉर शराब शराब के लिए जो पहला हुक्म था सूरह बकरा में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक आध दिन में

सेकेंड हुक्म के बाद पहला हुक्म डिलीटेड था फिर फाइनल हुक्म सूरा मायदा आयत नंबर 90 में आया इन नमल वल मैसरू वल अंसाबू वल अज़लाम रित्सुम मिन अमल शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून कैटेगोरिकल इज्तिनाब और उसकी हुरमत का तसव्वुर बता दिया गया पहली दोनों कुरान में बकरा में में बकरा मौजूद फाइनल हुक्म सूरा मैदा में मौजूद है पहले हुक्म जो है उनके उनको हाफज हिफज भी करते हैं उनकी हम तलावत भी करते हैं उनको तरावी में भी पढ़ा जाता है लेकिन पहले अहकाम की आयात से हुक्म शरीयत का नहीं लिया जाएगा उससे शरीयत के हुक्म का जवाब नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब वो मंसूख है अब वो डिलीटेड है इसी तरह सूद के हवाले से अहकाम आए सूर्य रोम में आए ऐ लोगो जो तुम सूद खाते हो कि तुम्हारा माल बढ़ जाए तो वो अल्लाह के हाथ नहीं बढ़ता फिर सूर्य इमरान में अल्लाह सुबहाना तय तुम वन थर्टी में फरमाया ए लोगो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और फिर सूर्य बकरा की हम आखिरी रकूआत पढ़ेंगे अल्लाह ने फरमाया यून अमन बाकी अर रेबा इन कुंतुमीन के जो तुम्हारा बाकी जितना जब जहां जैसे जो हिसाब किताब सूद का बचा उसको छोड़ दो तो लिहाजा अब ये पहले दोनों अहकाम सूरूम और सूर्य में मौजूद तो हैं दे आर वेरी मच दे कुरान दे आर रिटन डाउन हिफ्स भी किए जाते हैं पढ़े भी जाते हैं लेकिन उनसे सूद के हवाले से हुक्म का जवाब नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो मनसूख है ये अकीद नस्क है इस अकीदा नस्सक को समझना और जानना क्यों जरूरी है एक तो ये कि जब हम खुद कुरान पढ़ें तो हमें पता हो कि ये हुक्म मनसूख है और अब इससे शरीय का हुक्म अखज नहीं किया जाएगा और सब से बढ़ के आज के फितनों के दौर में जो वो इस्लाम को खराब करने वाली डीफेम करने वाली या इस्लाम के अहकाम को बिगाड़ने वाली जो ताकतें काम कर रही हैं ना वो आज ऐसी मनसूख शुदा आयात को कोट करते हैं और कोट करने के बाद वो आयात का नंबर सूरत का हवाला देते हैं अब जो कुछ मुसलमान हैं जिनको इस अकीदा नस का नहीं पता वो आते हैं कुरान खोलते हैं वो देखते हैं कि हाँ सूर्य बकरा में तो यह आयत मौजूद है और सूर्य निजाम में तो यह आयत मौजूद है और वो क्या कहते हैं कि अच्छा हाँ इसका मतलब है कि शराब तो हराम नहीं है सूद तो हराम नहीं है और वो मिसगाइड हो जाते तो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो अकीदा नस और थ्रू आउट आर जर्नी ऑफ कुरान हम अदनी सूरतें पढ़ते चले जाएंगे तो जहां जहां पर जो जो आयात अब मंसूख हैं और जो अहकाम वाली आयात हैं इन दौरे कुरान में और जर्नी थ्रू कुरान मैं उनकी निशानदेही करती चली जाऊंगी ताकि इस किस्म की जो गलत रवियां प्रोपोगेट की जा रही हैं हम उनको निगेट करने और खुद सही ही पर कायम होने वाले बन जाएं। और ये जो कहा जा रहा है कि भुला दिया जाए तो ये अल्लाह का दूसरा तरीका था आयत को मंसूख करने का मंसूख वाली आयत तो वुड स्टे इन ना, लेकिन कुछ आयत ऐसी थी जो आप पर नाजिल की गई थी लेकिन आपके हाफजे से महव कर दी गई थी और इनमें से एक आयत आयत रिजम है शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना के मरतकब होते हैं तो शरीयत में उनकी सज़ा रिजम करना सिंगसार करना यानी स्टोनिंग टू डेथ है लेकिन अब जो कुरान हमारे पास मौजूद है महफूज़ शक्ल में उसमें आयत रिजम मौजूद नहीं है हज़रत उमर रजी अल्लाह से पता चलता है वो फरमाते हैं कि यह आयत नाजिल की गई नबी वसल्लम की जबान मुबारक से हमने सुनी आपने तलावत की फिर उसको आपके हादसे से महव कर दिया गया इजेंट एग्जिस्ट इन कुरान लेकिन इसके महव कर देने के बाद भी हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते कि इसके मिटा दिए जाने के बाद भी आपने अपनी हयात तयबा में जितने शादी शुदा जानियों के लिए हद जारी की वो रिजम ही की तो लिहाजा ये आयते रिजम ये वो आयत है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफसे से महव किया गया था इसको मैं रेफर करूंगी फिर सूरा नूर की तफसीर के दौरान फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवाल और मुतालबे करना चाहते हो जैसे उससे पहले मूसा सलाम से किए जा चुके हैं हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल दिया वो राहराज से भटक गया अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम ईमान से फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाए अगर चेह उन पर हिर हो गया है मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए ख्वाहिश करते यहां पर तस्करा फिर बनी इसराइल के यहूद का आ रहा है कि नबी अलैहि वसल्लम से शदीद हसद और जेलसी का शिकार वजूहत मैंने पीछे बता दी अब इस आयत से हमें हासिद के हसद से निपटने का तरीका पता चल रहा है नबी अलैहि वसल्लम से यहूद हसद करते थे और इससे बड़ा कोई हासिद और दुश्मन हो नहीं सकता तो इतने बड़े हादसे जिन्होंने आप पर जादू किया जिन्होंने आपको जहर देने की कोशिश की जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर की सिल गिरा के आपको कत्ल करने की साजिश की इतने बड़े हास्तों से निमटने का तरीका अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे तो मेरा ख्याल है मेरे और आपके हादिर इतने बड़े होंगे भी नहीं और अगर होंगे तो उनके निमटने का बेहतरीन तरीका है कुरान बता रहा है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई शख्स तुमसे हसद कर रहा है और तुमसे जेलिस है होता है ना कई दफा कोई दोस्त बता देती है, कोई बहन बताती है, वो वैसे तुमसे जेलिस बड़ी है, वो तुमसे जलती बड़ी है। तो क्या करना है क्या उसके घर जाके उसे लड़ने लगना है जलगुकड़ी जैसी मुझसे लड़ती हो हाँ क्या उससे लड़ना है क्या उसको पकड़ के गिरबान के ऊपर दो लगाने हैं तमाचे के खबरदार है आज के बाद तूने मुझसे हसद किया नहीं क्या करना है आप देखें अल्लाह क्या कह रहे हैं अल्लाह फरमा रहा है हसद मिनन दी अनफसहिम मिन, मिन बादमा तबयना लेहुम हक कि उनको हक वाज़े हो गया फिर भी वो आपसे हसद कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करो फफू उनको माफ कर दो उनको माफ कर दो हसीद तुमसे हसद कर रहा है उनको माफ कर दो क्यों माफ कर दो एक तो माफ इसलिए करो कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम इस दुनिया में अल्लाह के बंदों को माफ करो और फिर दूसरी बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि तकलीफ तकलीफ किसी बड़े से बड़े दुश्मन किसी हासिल किसी जादूगर किसी काहन किसी जालिम के हुक्म से नहीं आती अल्लाह के हुक्म से तो बस उस रब की रहमत से मेटने के लिए उस रब को राजी करने के लिए तुम इसको माफ़ कर दो उसके हुक्म से आई है उसके हुक्म से जाएगी इसको माफ़ कर दो और वैसे मैं आपको बताऊं पता है माफ़ क्यों करो क्योंकि हादसे जो होता है ना वो बीमार जहन का शख्स होता है मेंटली सिक होता है ये मेंटली सिक ही तो है कि वो अल्लाह की नेमतों की तकसीम पर राज़ी नहीं है वो जहल हो रहा है वो जल रहा है और फिर ये वो हास्य है जो अपने हसद की आग में जल रहा होता है अच्छा आप मुझे बताएं कि जब दुनिया में कोई बीमार है मसलन एक शख्स बीमार बुखार है उसको बहुत तेज़ बुखार में तप रहा है जल रहा है उसका जिसम और वो चिड़चिड़ा होता है या वो लड़ता है या वो दवाई नहीं पीता या वो बुढ़ बुढ़ाता है तो आप उससे क्या करते हैं क्या उसे खफा होते हैं यही जुमला होता है ना अच्छा नहीं बेचारी को इतना बुखार है चलो इसको माफ़ कर दो है ना कोई बीमार जब लड़े या झगड़ा करे या चिड़चिड़ा हो जाए तो हम उसको माफ कर देते हैं ना नहीं बेचारी इतनी बीमार है बच्चा चिड़चिड़ा होकर रोता है नहीं इसको डांटो मत बेचारा बीमार है तो बस ये हासियत क्या है ये भी बीमार इसका जिसम बीमार नहीं इसका जहन बीमार है तो उसको माफ कर दो और वैसे इसको अपनी हसद की आग में खुद ही जल मरने दो तुम इसको माफ कर दो नंबर वन काम फिर क्या करो वाह दरगुजर कर दो जस्ट डोंट दोन जस्ट इग्नोर क्यों इग्नोर करो क्योंकि तकलीफ इसके हुक्म से तो आनी नहीं है तो उसको माफ़ करो इसको इग्नोर करो इसको अपनी आग में जलने दो इस बीमार जहन के शख्स को तुम क्या करो अल्लाह ने फरमाया और ये माफ़ और दरगुजर कब तक करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर कर दे और तुम मुतमैन रहो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तुम क्या करो अकीम सलाता नमाज पढ़ो वो नमाज वो नमाज तुम्हारी रब की मुलाकात है तुम्हारी हाजत रवाई का बेहतरीन मौका है तुम्हारी आने वाली आफतों के टालने के लिए दुआ की झोली फैलाने का बहुत बड़ा वाक्य है सूर नाज पढ़ो सूर फलक पढ़ो इंशाल्लाह तुम महफूज रहोगे कीम उसलाता व आतो जकता सदका तो टाल देता है हर उस आफत को जो उतरी है और जो अभी नहीं उतरी अकीम उसलाता करो आतो जकता करो और याद रखो जो तुम आगे भेजोगे ना अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे जो कुछ तुम करते हो जो हासिल कर रहा है अल्लाह उसको भी देख रहा है और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको भी देख रहे हैं उसका कहना है कि कोई शख्स उनका कहना है कि इनका यहूद और ईसाइयों का कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तो वो यहूदी या ईसाई ना हो उनके ख्याल के मुताबिक ही उनकी तमन्नाएं हैं उनसे कहो अपनी दलीलें पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो दरअसल ना ये तुम्हारी कुछ खसूसियत है और ना किसी और की हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अतात में सौंप देगा और अमल नेक रविश करेगा उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के किसी खौफ या रंज का मौका नहीं यहूदी कहते हैं के पास कुछ नहीं। कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इसी किस्म के दावे उन लोगों की भी हैं जिनके पास किताब का इलमी नहीं है ये इख्तलाफ जिनमें ये लोग हैं उनका फैसला अल्लाह कयामत के रोज करेगा

मशक़ और मगरब सब अल्लाह के हैं जिस तरफ पे तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है अल्लाह बड़ी वसत वाला और सब कुछ सुनने और जानने वाला है मश और मगरब के रुख का तस्करा क्योंकि आगे तहवील किबला का हुक्म भी आ रहा है लेकिन ये जो आयत है इसके पस मंज़र में दो वाक़ बयान किए जाते हैं एक वाक्या तो कुछ ऐसे कि सहाबाक एक का एक ग्रोह सफ़र कर रहा था रात में एक सहरा में गैर आबाद इलाके में पड़ाव किया सूरज गरूब हो चुका था दूर दूर तक कोई बस्ती इंसान का नाम और कुछ निशान भी नहीं था अनजान इलाका तो इनको क़िबले का तायुन नहीं था इन्होंने अपने अपने अंदाजे से क़िबले का तायुन करके नमाज तो अदा कर ली लेकिन इन सब को एक परेशानी और تردد की कैफियत रही कि पता नहीं हमारा क़िबला दुरुस्त और सिम तुम्हारी के दुरुस्त थी भी कि नहीं और फिर अपने अपने किबले के जो है जो जिस पे उन्होंने पढ़ी उसकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक एक पत्थर या कोई कोई निशान जो है वो लगा दिया अब जब सुबह उठे और सूरज तलु हुआ और सही किबले की सिमत का पता चला तो बहुत से लोग जिनकी नमाज गलत सिमत में थी वो परेशान थे तो उनके लिए ये जवाब दे दिया गया कि अगर गैर इरादी तौर पर पूरी मेहनत और कोशिश और सही के बावजूद अगर किबले का तयन मुमकिन नहीं था या भूल छूक से गलत तयन से नमाज अदा हो गई तो वलिलारब और दूसरा वाक्य जो यहाँ पर मौजूद बुखारी में आता है वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाश सफ़र की हालत में थे और नफल नमाज पढ़ रहे थे सफ़र में चूँकि ऊँटने की समत कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ हो रही थी किबले का तयन और फिक्सिंग पॉसिबल नहीं थी और इस पर आप सल्ला वसलम को परेशानी और तरद था तो फिर ये आयत नाजिल की गई ओलिलशरकोलमगर आगे चलने से पहले ये देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊटने पर भी क्या अदा कर रहे हैं नफल नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं वो जो आपने फरमाया ना जो फिसलात इस नमाज में तो मेरी आंखों की ठंडक रखती गई है अल्लाह इस उस्वा के नमूने को अपना के नमाजों को हमारे भी आंखों की ठंडक हमारे दिलों का बहार बना दे अल्लाह हमें नमाजों में हुसन लुत्फ खुशु और खुशु अता फरमाद और फिर देखे सफर गुजारने का कितना प्यारा सा तरीका है जो नबी सल अल्लाह वसलम की सुन्नत से पता चल रहा है सफर के दौरान भी नफल नमाज का अहमाम कितना खूबसूरत तरीका है सफर के गुजारने का आज जो है वो हमारी द मोस्ट कंफर्टेबल सवारी में अमूमन सफर कैसे गुजारा जाता है या तो अक्सर वक़्त खिड़की के बाहर तक के सफर गुजर जाता है हाँ देखें अल्लाह की कुदरत भी देखें, फितरत देखें फूल फल नज़ारे देखें और कुछ नहीं तो मोटर वे पे जाते हुए अपने पाकिस्तान की रियासत की तरक्या भी देखें फैली हुई हद नगाह तक वो सरसब्ज बाग जो हैं उनको देखें भी इस मुल्क की कायम रहने इसकी आबाद रहने की दुआएं भी करें हाँ देखें लेकिन सिर्फ ये तो नहीं है और फिर यहाँ गुफ्तु में यहाँ सोके गुजार दिया जाता है और फिर खास तौर पे ये जो बड़े आज हमारी जो कोचेज वगैरह हैं उनके ऊपर तो पहले बड़े तमाम से सफ़र की दुआ पढ़ाई जाती है और फिर एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर वो टीवी लगा दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद वो बस होस्टेस जो है वो बड़े तमाम से बड़े पोलाइट से लहजे जैसे आके पूछती है कि आपके हेडफोन्स ठीक हैं आप लगा के देख लें दिस इज़ मुझे तो हमेशा लगता है कि जैसे वो मुझे और सारे मुसाफिरों को ये पूछ रही होती है कि आप टीवी देखेंगे ना कहीं जिक्र तो नहीं करने लग पड़ेंगे कहीं नमाज और नफल तो नहीं पढ़ने लग पड़ेंगे शी इज ट्राइंग टू इंश्योर के हम जरूर ये शैतानी चेला जो है इसकी की तरफ मुतवज्जे रहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र काटने का कितना खूबसूरत सा तरीका हमें सिखा गए और वैसे मैं आपको बताऊं कि सवारी के ऊपर नफल सिर्फ नफ़ल और सुन्नत रकतें सवारी पर पड़ी जाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की हालत में होते थे और नमाज का वक्त आ जाता था तो आप सवारी को रोकते थे और उतर के नमाज़ पढ़ते थे इन आगे जाके बात होगी नमाज कसर में बड़ी वजाहत से और वहाँ मैं बात करूँगी लेकिन फ़र्ज नमाज जो है वो हदत अम्कान कोशिश यही की जाएगी कि उसको ज़मीन ही पर पढ़ा जाए लेकिन आप सुन्नत रकतें और नफल रकतें सवारी पर पढ़ते थे और सवारी पर नमाज पढ़ने का तरीका क्या था सिमत के बदलने के लिए तदारुक कैसे किया जाएगा आप सल्लल्लाहु वसल्लम तकबीर कहने से पहले यानी नमाज के आगाज से पहले अगर पॉसिबल होता था तो सवारी का रुख किबले की तरफ फेर लेते थे लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर अपने जिस्म का रुख जो है वो किबले की तरफ फेर लेते थे बसा अवकात ये भी पॉसिबल नहीं होता तो फिर सिर्फ अपने चेहरे का रुख जो है वो किबले की तरफ फेर लिया जाता है तकबीर कहते हैं हाथ बांध लेते हैं बस रिसेप्शन और इस इस्ताल नमाज में अगर चेहरा भी कम अज कम किबले की तरफ हो और उसके बाद रुख बदलता भी रहे और किबले का तयन पॉसिबल ना भी रहे तो भी सुन्नत और नफल रकतें अदा की जा सकती हैं सवारी पर बट आई रिपीट फर्ज नमाज जमीन ही पर अदा की जाएगी नादान कहते हैं कि अल्लाह हमसे ख़ुद बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती ऐसी बातें इनसे पहले के लोग भी किया करते थे इन सब अगले पिछले गुमराहों की जहनीतें एक ही तो जैसी हैं यकीन आने वालों के लिए तो हम निशानियाँ साफ साफ नुमाया कर चुके हैं इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुम्हें इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला बुरे अंजाम से मुतनबे करने वाला बनाकर भेजा है अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं ना उनकी तरफ से तुम जिम्मेदार जवाब नहीं हो यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर चलने न लगो साफ कह दो इन्ना खुदुल्लाहि हुवल खुदा हदायत तो सादी रब की हदायत अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम वरना अगर इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं सूरा बकरा की आयत नंबर 121 में अल्लाह सुबहाना ताला आगे एक बहुत अहम पैगाम दे रहा है अल्लाजीना आतना किताबा यतलू ना हो हक का तिलावते उलाय का मिनना बिही व मै यकफुरबिही व उलाय कामुल खास अल्लाह फरमा रहा है कि जिन लोगों को हमने किताब दी है और उसे कैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, हक का ही है है ही इस ईमान लाते हैं और जो उसके साथ कुफर करेंगे वो असल नुकसान उठाने वाले आयत को पढ़ के जो बात और हकीकत समझ में आ रही है कि हर कुरान पढ़ने वाला हर कुरान पढ़ने वाला कुरान से हदायत नहीं पाता कुरान से हदायत किस पढ़ने वाले को मिलती है जो इसको कैसे पढ़ता है जैसे कि इसको पढ़ने का हक है मैं और आप कुरान से हदायत के तालिब हैं हम इसको हदायत और जन्नत के रस्ते की रहनुमाई की नीयत और गरज से पढ़ रहे हैं तो लिहाजा ये वो कलाम है जिसको हम कैसे पढ़ेंगे अपनी मर्जी से नहीं तलावत के हक के मुताबिक पढ़ेंगे तो इससे खतायत मिलेगी तो लिहाजा मुझे और आपको वो फहरिस्त जाननी और तैयार करनी और लोगों को बतानी जरूरी है कि तलावत का हक क्या है हक का तलावत ही में पहला हक तो वो है जो हर जबान का हक है कि उसको सही लबो लहजे उसके तलफुज में अदा किया जाए उर्दू के लहजे के बारे में लोग साहिब ज़बान कितने हसास होते हैं और फिर अंग्रेजी के लबो लहजे में तो हम सभी बहुत हसास हैं स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करना होता है तो रिसेप्शनिस्ट का अंग्रेजी का लहजा जो टीचर है प्राइम प्राइमॉन्टिसरी की उसका लहजा और जरा सा उसका इंग्लिश का लबो लहजा उसकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं हो तो हम फॉरनी कैटेगोरी के लिए रिमार्क पास कर देते हैं हम तो नहीं अपने बच्चे को भेजेंगे इसका तो लहजा ही ठीक नहीं हमारे बच्चे का लहजा अंग्रेजी का खराब कर देंगे तो अरबी का लहजा कुरान की तलावत का पहला हक ये है कि इसको इसके सही लबो लहजे में पढ़ा जाए कुछ अहदीस ये नशीन कर लीजिए आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमायाक्रन अरब कुरान को कैसे पढ़ा करो अरबों के लबो लहजे में पढ़ा करो फिर आप वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी कुछ आवाज़ें खूबसूरत है ना तो इसके साथ कुरान के हसन में इजाफा करो फिर हदीस के अल्फाज हैं जो कुरान को सही गना के साथ उतार चढ़ाओ मद करेक्ट मखारिज सही गना के साथ अदा नहीं करताईस मन्ना वो में से है ही नहीं है और फिर आप सल्लाम ने यह भी फरमाया अल्लाह को कुरान ऐसा पढ़ना पसंद है जैसे इसको नाजिल किया गया कैसे नाजिल किया गया अरबों के डायलेक्ट और अरबों के लहन में नाजिल किया गया और हदीस में यह भी वादा है कि जो कुरान को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता उसको दोहरा आजर है एक उसकी कोशिश का और एक उसके पढ़ने का तो तजवीद को करेक्ट करना और तजवीद के कोर्स में मेहनत करना बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं हम तो बड़ी उम्र हो गई हमारी जबान मोटी हो गई हमारे ले जे, पक्के हो गए हम कोशिश भी करते हैं तो दुरुस्त नहीं होता तो फिर हदीस का वादा मौजूद है ना दोरा अजर मौजूद है ना फिर उसके बाद दूसरा दूसरा हक का तलावत ही क्या है कि उसको अल्लाह ने खुद बताया रत तिल कुरान, तरतीला। कुरान को रुक रुक कर ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करो वो जो तेजी के साथ पढ़ा जाता है वो कुरान की तलावत का हक नहीं है जिन पर नाजिल किया गया था उनके लिए वो महातुलमोमिन बताती हैं कि वो रुक रुक कर पढ़ते थे एक एक लफ्स का हक अदा करके पढ़ते थे साथ दुआएं करते थे साथ रिस्पॉन्ड करते थे ये दूसरा हक है उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना और तीसरा हक जो हर ही जबान का हक होगा वो जो कुरान कहता है अफला या तफक्न अफला या तदब्बर उसको समझ के पढ़ना उसका तर्जुमा उसके मानी उसका मफहम उसका पैगाम उसके असूल ये कुरान मुझे क्या कह रहे हैं वेर एम आई गोइंग वट एम आई डूइंग अपना मुहासमा ये तफक्र और तदब्बर उसके माय और मफोम को समझ के पढ़ना ये शाफी के शफा का नुस्खा है ये हादी की हदायत का जरिया है तो उसको समझ के पढ़ना है इसको समझ के पढ़ना है मुझे बताएं तो सही ज़रा एक मिसाल में देखे बस औकात इसको समझ के पढ़ने की अहमियत बताती हूँ ज़रा सोचें अल्लाह हमारे सारों को ही बहुत बेहतरीन सेहत दे लेकिन आप सोचें कि अगर हमारी कोई अजीज़ा बीमार है और वो शहर के सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो कंसल्टेंट है उसकी अपॉइंटमेंट लेती है दो महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है बड़े मुसीबतों के साथ डॉक्टर की बारी आती है और वो इतना सक्सेसफुल टॉप ऑफ द लाइन कंसल्टेंट एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और आप देखती हैं कि उसने उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ क्या किया है उसको खूबसूरत से कवर के अंदर डाले उसको अपनी अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है और फजर की नमाज के बाद उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को निकालती है उसको गिलाफ में से निकालती है उसको खुशबू के साथ सजाती है उसको आंखों के साथ लगाती है उसको चूमती और कवर करके वापस रख देती वन वर्ड सिंगल वर्ड आप उसको क्या कहेंगी बताए क्या कहेंगी आप उसको बेवकूफ अहमक फूलिश यही कहेंगी ना और फिर आप उसको मशवरा देंगे अरे बेवकूफ लुक व्हाट आर यू अप टू बीमार है तेरे पास बेहतरीन शिफा का नुस्खा है और तू इसको आंखों से लगा रही है खुशबू से बचा रही है अलमारी में सजा रही है पढ़ इसको समझ इसको इसके मुताबिक दबा और इस्तेमाल करो फिर तुझे शिफा होगी तो ये शाफी के शिफा का नुस्खा है इसका हक है कि इसको समझ के पढ़ा जाए इसका हक है कि इसको समझ के इसके मानी और मफोम को पढ़ा जाए और फिर मानी और मफहम को समझने और इसके पैगाम और असूल को समझने और कंगालने के बाद उस पर ईमान लाया जाए लाही बाफी अल्लाह ने कुरान थमाया था, सूरा थी। मुत्तकीन से पहले ने था ला रही बाफी। इस पर शक ना करना शक किए बगैर इस पर ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अगला हक क्या है समेना व अतवाना ये हक का तिलावत ही है कि जो पढ़ते जाए उसको मानते जाए उसको अपनी जिंदगी में राइज करते जाए इस कलाम का हक है आज ही अल्लाह ने शिकवा किया व तक फिरऊना बेबाज तुमने नाउजिल्ला कुरान का ये क्या मजाक बना लिया कि पिक एंड चूज करते हो कुछ मानते हो कुछ छोड़ देते हो ये कुरान की तलावत का हक नहीं है तलावत का हक है कि जो मानते हैं जो सुना है जो समझा उस पर अमल किया जाए अच्छा हो क्या हक पूरा अभी भी नहीं पूरा हुआ कुरान की तलावत का अगला हक ये है देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे इसको लोगों तक पहुंचाना। कुरान का हुक्म है बलगमा उनजिला मबेक मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम की दुआ इलाही मसरूर और शादाब रखना उस शख्स को जिसने मुझसे मेरी बात सुनी और उसको लोगों तक पहुंचा दिया तबलीग करना लोगों तक पहुंचाना, जिसके पास बीमारी की शफा का नुस्खा है बीमारों का हक़ है उस पर कि उसके तक शफा का नुस्खा पहुंचाया जाए अभी भी अभी भी हक अदा नहीं हुआ अपनी पर, अपने घर पर अपने मातहतों पर अपने जेर दस्त पर अपने इर्द गिर्द अपने गली कूचों पर उसके उस कुरान की तालीम को नाफिज करना उसका हक। है। ये हक का तिलावत ही है ऐसे तलावत करेंगे तो इनशा इससे हदायत जरूर मिलेगी वाक मौजूद है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम एक बहुत बड़े यहूदी आलिम थे और तौरात के आमिल थे ये कहते हैं कि मैंने अपनी अपनी रुदात खुद सुनाते हैं कबूल इस्लाम की कहते हैं कि मैं ये खुद ही मैं तौरात को पढ़ता था और कहते हैं कि मेरा एक खजूरों का बाग था मैंने अपनी जिंदगी को ना तीन हिस्सों में तकसीम कर रखा था ये भी मैं जरूरी बताऊंगी कि हमेशा हाई अचीवर्स वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी ऑर्गेनाइज होती है नज्म जब्त और डिसिप्लिन और प्लानिंग जिनकी जिंदगी में होती है अच्छे तब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने दिन के औकात को तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ था एक वक्त तो मैंने अपने खजूर खजूरों का जो बाग है ना उसकी निगेदाश्त के लिए उसकी कांट झांट के लिए उसकी पैवंदकारी के लिए उसको पानी वगैरह लगाना ये फिक्रमाश का वक्त है दूसरा वक्त तोरात को समझने समझाने उसमें गौर और फिक्र तफक् और तदब्बर करने के लिए और तीसरा वक्त उसमें जो मैंने मैंने जो तौरात में समझा था उसको लोगों तक पहुंचाने का बड़ी डिसिप्लिन और नज्व ज़ब्त वाली ज़िंदगी है लेकिन हक का तलाव तही उस तौरात पर हक का तलाव तही के साथ तौरात को पढ़ा था समझते थे समझ के पढ़ते थे और तफक्कुर तदब्बर करते थे और फिर उसको लोगों तक पहुंचाते थे ये हक का तलाव तही के साथ जब उन्होंने अपना ताल्लुक तौरात के साथ कायम किया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में थे हिजरत करके मदीना नहीं आए थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को उन पर ईमान नसीब हो चुका था, था, था। हिजरत से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो चुके थे और नबी आखरों जमान के मदीना की आमद के मुंतजर थे और फिर ये अपना वाक्य सुनाते हैं। कहते हैं कि जिस दिन अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए उस वक्त मैं अपने खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था और उसकी चोटी पर था और मुझे दूर से वो दो लोगों का वो काफिला हजरत अबूबकर और नबी सल वसलम का वो काफला नज़र आया जिसकी आमद के लिए वो मदीना के बच्चे और मदीना के लोग जो निगाहें फरशे राे मदीना से बाहर मुंतजर थे तो कहते जब मुझे वो दूर से वो दो लोगों का काफला नजर आया तो मैंने मेरी पुप्पी तो ने फौरन ही कहा कि, क्या? तू भी उस नबी पर ईमान लाने वाला हो गया तो कहती है तो, तो वही नबी है जिसका तस्करा हमारी किताब में तोरात में मौजूद है तो कहती उन्होंने फौरन ही कहा कि अच्छा फिर अगर तू ईमान लाए और ये वही नबी है तो फिर मैं भी ईमान लाती हूँ अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि फिर नबी अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए उन्होंने क्याम किया और मैं उनकी मजलिस में पहुँचा और मैं मजलिस में जब आगे रसूल सलि वसम के पास पहुंचा तो उस वक्त मैं जब आपको देखा सबसे पहले तो आपकी जबान मुबारक पर अल्फाज क्या थे लोगों भूखों को खिलाओ रिश्तों को मिलाओ सलाम को फैलाओ नमाज उस वक्त पढ़ो जब लोग सो रहे हैं तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे कहते हैं मैंने नबी अलैहि वसल्लम के करीब होकर बैठ गया आप खुदबे से फ़ारिग हुए मैंने सलाम किया आपने मेरा नाम पूछा मैंने अपना तारुफ किया मैंने इस्लाम कबूल किया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरा नाम पूछा तो कहते हैं कि मैंने अपना नाम बताया इनका इस्लाम से पहले नाम जो है फ़र्क था तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम रख दिया और फिर आपको पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नाम बहुत पसंद है और फिर इनका नाम यही रहा बहुत बड़े मुफसर कुरान भी हुए और बहुत बड़े आलिम दीन भी हुए और हाँ जी और ये एक और हक जो मैं आपको बताना चाहूंगी कुरान की तलावत का कि कुरान पूरे का पूरा तलावत करना है फातहा से ले मुआजा तैन तक पूरा कुरान ये जो आज हमारे ये भी हका हक तलावत ही है आज जो हमारे माशरे में ट्रेंड हो गया कि सिर्फ सूरा यासीन पढ़ी जाती है या वो पांच सूरतों का जो एक पान सूरा है या यासदा शरीफ जिसमें ग्यारह मुंतखिब सूरतें और फिर सारी जिंदगी वही पढ़ते गुजर जाती वो बहुत खूबसूरत सूरते हैं लेकिन कुरान का हक है ये सारा अल्लाह का शिफा का नुस्खा है ये सारे का सारा हदायत का पैगाम लेकर आया है तो शुरू से लेके एंड तक पूरा कुरान पढ़ना है ये भी हक का तिलावा तेही है और ये ईमान का जरिया बनेगा आपको एक ताबई का वाक्य हजरत काब अखबार का, का वाक्य सुनाती हूँ हजरत काब अखबार बताते हैं कि मेरे वालिद और मेरे दादा बहुत बड़े यहूदी आलिम थे और ये बताते हैं कहते हैं कि मेरे वालद जो हैं ये हजरत क़ाब अहबार जो हैं ये यहूदी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मदीना में मौजूद थे आपकी दावत को कबूल नहीं किया था सारी ज़िंदगी हयात तैयबा में ये यहूदी रहे थे फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दौरे हुकूमत में जब फतवाहत का सिलसिला फैला था तो फिर मुसलमान हुए थे और जब मुसलमान हुए थे तो हजरत उमर ने इनसे पूछा कि काब आपने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जमाना पाया था तो उस वक़्त मुसलमान क्यों नहीं हुए थे तो इन्होंने वजूहात बताई इन्होंने कहा कि मेरे बाप दादा यहूदी आलिम थे मेरे वाले जब फौत होने लगे तो उन्होंने मुझे तौरात के दो सहीफे दिए एक जरा मोटा और बड़ा लेकिन वो बंद था और उसके ऊपर मोहर थी और मेरे वालिद ने कहा कि ये अपने पास रखना लेकिन इसको बरकत के लिए रखना इसकी मोहर को ना खोलना और इसको ना पढ़ना और एक छोटा सहीफा दिया और कहा इसको पढ़ते रहना और इससे तोरात तो का उसको मैंने मोहर बंदी रहने दिया बरकत और फ्यूज के लिए अपने घर में रखा और जो छोटा सहीफा दो जो इन्होंने अवाम और खवासब के लिए रखा था मैं वही पढ़ता रहा लिहाजा मैं ईमान से महरूम रहा तो फिर काब अखबार कहते हैं ये ताबई है ये कहते हैं कि फिर उमर जब आप के दौर में मोहम्मद वसल्लम का दीन इतना फैलने लगा कि रूमो ईरान तक फतूहत का सिलसिला चल निकला तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तौरात को देखूं तो सही कि उसमें कोई इसकी हकीकत मौजूद तो नहीं है कोई गोई कहते हैं फिर जब मैंने पूरा मुकम्मल सहीफा तोराद का पढ़ा तो जैसे कुरान कहता है इसम हूँ अहमद फिर मुझे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ही तो वो नबी है जिनके तस्करे तोरात में भी मौजूद है इसलिए मैं आप ईमान लाया हूँ तो लिहाजा ईमान लाने के लिए क्या जरूरी है पूरे के पूरे कुरान को पढ़ना भी जरूरी है अल्लाह हमें इस पर मुकम्मल और जाम ईमान अता फरमाए इस ईमान में इस तकामत और पुख्तगी और इजाफा फरमाए और हमारी नस्लों को कुरान से जुड़ने की तौफ़ीक और इसको हक का तिलावत ही से पढ़ने की तोफ़ी अता फरमाए आगे चलने से पहले आज कल भी हमारी बात हुई व मिनहू ममी यूना ला या किताब और मैंने बड़ी वजाहत से बताया कि अगर हमारे पास दुनिया भर की भी डिग्रीज हुई और हमारे पास दुनिया भर का भी फन और हुनर हुआ तो भी हम अपनी उन डिग्रियों को रब पसंद तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे यहाँ पे आज तजवीद की बात हुई यहाँ पे हक्का तिलावत ही की बात हुई तो मैं आपसे कल भी दरख्वास्त की थी कि अपनी तीस तीस साल दुनियावी तालीम के साथ खुद भी अपनी औलादों को भी कम से कम एक साल कुरान पढ़ाने के लिए जरूर निकाल लीजिए ताकि दुनियावी इल्म भी रब पसंद तरीके से हम इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए जन्नत के तरीके हसूल के सीखने वाले खुश नसीब बन जाए आप सब से दरख्वास्त करूँगी इन शाह हमारे मामूल के मुताबिक हमारे रमज़ान के बाद इन शाह तरह जून को हमारा फिर एक साल कोर्स जारी होगा हमारा कोर्स पहले दो साल हुआ करता था बहुत से लोग वक्त नहीं देते थे बच्चियों का इतना वक्त नहीं देते थे हमने बड़ी हमत अमली और प्लानिंग और मेहनत के साथ मेरी सारी उसक्राम मुखल उसा कराम की टीम ने एक साल का कोर्स तश्कील दिया है इसमें मुकम्मल कुरान का तर्जमा उसकी तफसीर बुखारी की शरा सीरत सहाबा सहाबियात उस रसूल वसल्लम तारीख़ इस्लाम और पूरी की पूरी सीरत सरफोनहब तजवीद ग्रामर अरबी की मंतखब सूरतों दुआओं का निसाब है जो हिप्स करवाया जाता है फिर टेस्ट लिए जाते हैं फिर प्रजेंटेश के ज़रिए बच्चियों को बाकायदा जैसे आप यहाँ पर दर्ज सुन रहे हैं हमारी सारी तैयार होने वाली बच्चियाँ अपने अपने इलाकों में एक साल के बाद पहले दिन जब आती है पहले हफ्ते उनको प्रेजेंटेशन के टेबल पर बिठाया जा रहा है तो वो आंसुओं से रो रही होती है और बोलने के काबिल नहीं होती हैं मेरी बच्चियां गवाही देंगी इस बात की और जब वो साल के बाद बोल रही होती हैं तो फिर मैं रो रही होती हूं कि अल्लाह तेरा इतना तेरा इतना एहसान है तो आप सबको आप सबको मैं दरखास्त करूंगी कि पुट योर माइंड एंड हार्ट खुद भी सोचें खुद चाहती हैं अपनी बेटियों अपनी बहुओं अपनी बहनों अपनी भाभी अपनी हमसाइयों आपकी मेड्स हैं आपके गांव में खातीन है जो दस जमाते पास है हमारा हॉस्टल टोटली फ्री है वन ईयर इन योर लाइफ हम आपसे आपके प्यारों का एक साल मांगते हैं कुरान और हदीस को समझने के लिए सोचिएगा जरा ठंडे दिमाग से हक का तिलावर ही सीखने के लिए उम्मी की की में से निकलने के लिए आए और इस कुरान के कोर्स से खुद भी जुड़ जाएं और लोगों को भी जोड़ दे अल्लाह हमें इस दावत को लोगों तक पहुंचाने की तोहफी कता फरमाए या बनी इसरो ए बनी इसराइल याद करो वो मेरी नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाज़ा था और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी और डरो उस दिन से जबकि कोई किसी के ज़रा काम नहीं आएगा ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा ना कोई सिफारिश आदमी को फ़ायदा देगी और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों से आजमाया और वो उन सभी बातों में पूरा उतरा इजिप्तिला इब्राहिमा रबू बिक मातिन फतम्मा और फिर जब पूरे उतरे तो अल्लाह ने क्या मामला किया अल्लाह कदरदान तो है शकुर तो है कौला इन्नी जायलुकलिन्ना से इमामा हज़रत इब्राहिम सलाम को इमामत के नवाजे जाने और पेशवाई के नवाजे जाने का मौका क्या था कि अल्लाह सुबहाना तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये पेशवाई और इमामत के नवाजने से पहले अच्छी तरह से परखा था ठोक बजा के देखा था फिर रगड़ के मांझ के अपने काम का बनाया था और फिर अमामत से नवाजा था हजरत इब्राहिम तो दुनिया की हरी महबूब चीज की मोहब्बत से आजमाए गए थे ना मुशरिक बुत परस्त बस्ती फिर एक घर गर घराना फिर अपनी मोहब्बतें माँ बाप अहले खाना बस्ती कौम कारोबार फन हुनर उद्दा रियासत सारी महबूब चीजों की मोहब्बत से आजमाए गए थे और फिर अपने जिसम की मोहब्बत पे खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश जलाए जाने का अजाब आया और फिर उसके बाद फलस्तीन में आबाद होते हैं बुढ़ापे की औलाद मिलती है तो फिर उसकी आजमाइश वादी जीज एराम में अल्लाह ने हुक्म दिया था कि गैर आबाद बस्ती जहां ना पानी का कतरा है ना चिरिंद परिंद ना हैवानात ना न बतात ना घास का तिनका है छोड़ा और नन्हे दूध पीते हुए शीर बच्चे को खजूरों का थैला देकर पानी का मशकीजा देकर छोड़ आए थे छोड़ आए थे ये है फा खुन्ना और फिर अल्लाह सुबहाना तला ने बचा लिया था इन हाजरा साबरा सलाम को उस छोटे से शीर खार बच्चे को मदद से बचा लिया था इन शुदात आएगी कल इनशा ये साबराओं की रोदात कल पढ़ेंगे इनशाला हम लेकिन फिर उसके बाद ये बच्चा जब जवान हुआ तो और धूब की उम्र को पहुंचा तो हुक्म आ गया कि अब इसको इसको जुबा कर दो इसको कुर्बान कर दो अल्लाह की राह में पेशानी के बल झुका दिया था दोनों फैरमा हो गए थे क्या है अल्लाह ने इज्जत अल्लाह ने पेशवाई अल्लाह ने इमामत दी थी अल्लाह चुनता है अल्लाह मुंतखब करता है कब जो जब जहां जैसा हुक्म आया था उसको अच्छी तरह से अल्लाह की बंदगी और अतात करते रहे अब जब अल्लाह ने यह वादा किया तो फिर साथ ही बाप तो बाप ही होता है ना और बाप तो औलाद के लिए हर खैर का हरी ही होता है ना जब अल्लाह ने कहा इन्नी जायलु का लन्ना से इमामा तो हजरत इब्राहिम आल्लाम ने फौरन ही सवाल किया और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है अल्लाह ने जवाब दिया मेरा वादा ालमों से नहीं है कि अगर औलाद में कोई नाफ़रमान और नाफ़रमान और सरकश हो गए तो उनसे वादा नहीं होगा और ये कि हमने इस घर को काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया और लोगों को हुक्म दिया कि जहाँ इब्राहिम खड़े होते उस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज़ बना लो जब अल्लाह सुबहाना तै ने हज़रत सलाम को इमामत से नवाज़ा और वो अल्लाह की हरी आजमाइश पर पूरे उतरे तो फिर उनके ज़रिए से घर की तमीर और हरम की तमीर करवाई गई हरम की तारीख के हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि ख़ाना काबा ये रुए जमीन पर बनने वाली पहली इमारत है इन्ना अव्वला बैत वज ना बेबक् मक्का में उमल क्रा के इलाके में जो जियोपॉलिटिकल सेंटर है पूरे ग्लोब का पहली इमारत जो रुए जमीन पर जो उभार काब कहते ही उभार को है तो द फर्स्ट उभार द फर्स्ट इमारत जो जमीन के ऊपर रूनुमा हुई थी वो खाना काबा की थी दस दफ़ा तामीर हुई अल्लाह के हुक्म से पहली दफा फरिश्तों ने वो जो सातवें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर है जहां नबी सब महराज के मौके पर हजरत इब्राहिम को टेक लगाए हुए देखा था और जिसका तबाफ एक दिन में सत्तर हजार फरिश्ते करते और अब फरिश्ते की बारी दोबारा नहीं आई उस बैतुल मामूर के मिरर इमेज नीचे अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने खाना काबा की बुनियादें रखी थी निशानदही के लिए और फिर तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की फिर उसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने तामीर की फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म हुआ और उन्होंने तामीर की फिर कौम अमालिका फिर कबीला जुरहम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर्स कुसा बिन कलाब ने तामीर की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में नबूवत से पहले मक्का ने तामीर की उसकी रुदाद भी सुनती हूँ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फात के बाद दो दफा तामीर हजाज बिन यूसुफ और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये दस मरहले तामीर के इसके बाद हरम को गिरा के या उसको डिमोलिश करके उसके हिस्से को तामीर नहीं किया गया हां तो का सिलसिला खादमैन हरमैन शरीफैन और एक्सटेंशन का सिलसिला तो अब तक जारी किए हुए लेकिन तामीर वो दस मराहल ही पर हुई नबी सल्हसम की हयात तय्यबा में जो तामीर हुई थी वो आपकी नबूवत से पहले थी और हमें सही हादिस से पता चलता है कि ने मक्का ने हरम में 360 सौ साठ बुत कर रखे थे लेकिन इसकी दीवारें बहुत हद तक गिर चुकी थी तकरीबन डेढ़ दीवार जो है वो सिर्फ हरम की रह गई थी बाकी सब दीवारें जो है वो गिर चुकी थी असबाब और वसाइल की कमी की वजह से मुश्किन मक्का के पास इतने माल नहीं था कि वो इसकी तमीर कर सके इनका इनका रूहानी मरकज और इनका किबला तो हरम था लेकिन इनके पास रिसोर्स नहीं थे हाँ पत्थर और चूना वगैरह तो शायद इनके पास हो जाता लेकिन सबसे ज्यादा जो वसाइल की कमी थी वो लकड़ी की कमी थी क्योंकि उसका दरवाजा वगैरह नहीं बना सकते थे अब जब इनको पता चला कि जद्दा के साहिल पर एक किश्ती एक रिडंडेंट किश्ती जिसका कोई मालिक नहीं है वो जिद्दा के साहिल पर पड़ी है तो ये किश्ती को उठा कर लाए थे और उससे हरम का दरवाजा बनाने का चूंकि इम्कान मिला था तो फिर इन्होंने इसकी तामीर का इरादा किया और तामीर का इरादा करने के लिए जो पुरानी दीवारें थी उनको मिसमार करना या ढाना जरूरी था तो हमें पता चलता है कि ये ढाने के लिए रोज इरादा करके लेके जाते थे अपने आलात वगैरह और वहां पर एक नाग जो था एक बड़ा सा सांप जो था ना इनको देख कर अपने फन फैला लेता था और ये सांप से डर वापस आ जाते थे, अगले दिन फिर उस नाग और सांप को पकड़ा और उठा के फेंका तो फिर इन्होंने दीवारों को तोड़ा और उसकी तामीर की और फिर चूंकि अभी भी वसाइल की कमी थी और लकड़ी वगैरह इनके पास बहुत ज्यादा नहीं थी तो इन्होंने हरम के जो पहले दो दरवाजे थे उसके जरिए सारे लोग एक दरवाजे से दाखिल होते थे और एक से निकलते थे अवाम खवास सब हरम के अंदर से गुजर सकते थे अब चूंकि इनके पास लकड़ी के वसाइल की कमी थी तो उन्होंने दो दरवाजों की बजाय बस एक ही दरवाजा बना दिया जो हयात तय्यबा में भी था आपने फतेह मक्का के मौके पर भी छोड़ा और आज तक वही एक दरवाजा है और फिर चूंकि रिसोर्सेज की कमी है तो वो जो हतीम का डी शेप्ड इलाका ये पहले हरम के अंदर का था तो इसको इन्होंने छोड़ दिया बहरहाल और फिर ये वही मौका है जब वो फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन या हजर असद को नसब करने के ऊपर कबाइल का झगड़ा होने लगा तो रसूल सल पर्सन जुने झगड़ा बड़ी अमली से और ये नबूबत से पहले का अंदाज और सुन्नत है बड़ी हमत अमली से आपने मशवरा दिया था लड़ते हुए कबाइल का झगड़ा खत्म करने के लिए कि देखो यह हजर असवद कौन नस्ब करेगा उसका फैसला जो है ना, ना मैं करूँगा ना तुम करोगे उसका फैसला वो शख्स करेगा जो कल हरम में सबसे पहले दाखिल होगा। आप दी और खुद आप अगले दिन चादर पकड़ लो और हजर अस्बत को रख दो और चादर के सिरे जो हैं वो सारे कबीले वालों का कोई ना कोई फर्द पकड़ ले हर कबीले का ताकि सब की तरफ से नुमाइंदगी भी हो जाएगी और फिर उसको उठा के जब करीब लाओगे तो फिर मैं उठा के उसको नस्ब कर दूंगा झगड़ा खत्म हो गया और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु वसल्लम उनके यहां सादे कल अमीन बड़े मोतबिर उनकी आंखों के तारे उनके लाडले थे जब उनके सिस्टम को बदलने की बात की तो फिर वो उनके मुखालिफ बन गए बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमूना आपकी नबूवत से पहले वो जो कहा गया ना कबाइल को शिर शकर करने वाला मफासद को जेरो जबर करने वाला आज हम आपस में लड़ रहे हैं और झगड़े कर रहे हैं मुसलमान मुसलमानों की गर्दनें काट रहे हैं मस्जिदों के अंदर झगड़े कर रहे हैं खुरेजियां कर रहे हैं और फितने फसाद कर रहे हैं इस्लामी रियासतें दूसरी इस्लामी रियासतों की मुखालफत पर जमी और डटी हैं और ये मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उस का नमूना नबूवत से पहले है Allah हमें फितने के खात्मे में अपना किरदार अदा करने की अता फरमाए। और फिर अच्छा ने ये फरमाया कि क्या करो वजू मकामे इब्राहीमा मुसल्ला। मकामे मकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना लो मकाम इब्राहिम और इसकी हकीकत क्या थी असल में जब हजरत इब्राहिम ने सबर और शुकर की हद करके दिखाई और अजीमत का और सबर का एक पहाड़ बन के सामने आए तो फिर इन अल्लाह मबरीन की सुन्नत भी नजर आती है अल्लाह सुबहाना ज़बी उल्ला और खलील उल्लाह को जब खाना काबा की हरम की तामीर का हुक्म दिया था तो इतने बड़े घर की तामीर कोई छोटा काम नहीं था लेकिन साबरों ने जब अतात का दम भरा था तो फिर अल्लाह की मदद ऐसे आई थी कि अल्लाह अल्ला के हुक्म से मकाम इब्राहिम का ये मौजाना पत्थर था हज़रत इब्राहिम इस पर खड़े होते थे ये पत्थर ऊपर नीचे भी होता था और मंजिल के इमारत के गर्द भी घूमता था और बेटा हज़रत हज़रतलम वो गारा और पत्थर ढो ढो के लाते थे और हज़रत इब्राहिम यरफा इब्राहिम इजयरफा इब्राहिमायद मिनबाति वस्माईला ये इमारत की दीवारें उठा के उठाते चले जा रहे थे तो अल्लाह की मोजाना तरीके से इस पत्थर के ज़रिए मदद आई थी ये वो पत्थर है जो मकाम इब्राहिम हरम के दरवाज़े से ज़रा दूर एक ख़ूबसूरत से उस स्ट्रक्चर में फ़िक्स कर दिया गया है अल्लाह सुबहाना मकाम इब्राहिम पर नमाज का हुक्म दिया किस को हुक्म दिया और क्यों हुक्म दिया ये वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम का नक्शे पा है कितना बड़ा मोजा है ये पत्थर इसका मोजा होना ऊपर नीचे होना और इमारत के गिर्द घूमना तो मोजा था लेकिन इतने सालों से ये पत्थर है मौजूद है ये टूटा नहीं ये कितना मजबूत होगा लेकिन जब अपनी आंखों से इसे देखें तो इतना मजबूत पत्थर जो इतने सालों से टूटा नहीं है उसके ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई मोम का बना हुआ है कि इसके ऊपर हजरत इब्राहिम का वो नक्शे पाए पत्थर तो लगता ही नहीं है उसके ऊपर वो नक्शे पा बिल्कुल लगता है कि जैसे वैक्स का मॉडल है और अगर आप नक्शे पा देखें ना तो वो आज के पाओ के हिसाब से बहुत बड़ा है क्योंकि हमें पता है कि शुरू से इंसानों के कद भी लंबे होते थे और उनकी उम्रें भी लंबी होती थी और जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाती है कद भी घटते जाते हैं और उम्रें भी घटती चली जा रही हैं बहरहाल ये हजरत इब्राहिम का नक्शे पा इस पर जो नमाज का हुक्म दिया जा रहा है सात तवाफ के चक्कर मुकम्मल करने के बाद नफल पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है असल में असल में ये क्यों पढ़ाए गए और ये क्यों इसको इब्राहिम को जाए नमाज बनाया गया अल्लाह सुबह को इन साबरों की इन शाकरों की अदाएं इतनी पसंद आई थी इन अताद गुजारों के अंदाज इतने पसंद आए थे कि अल्लाह सुबहाना तला ने क्यामत तक के लिए कह दिया कि किसी हाजी का हज किसी उम्र करने वाले का उमरा और तवाफ करने वाले का तवाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तक बकाम इब्राहिम पर खड़े होके हल्के के हलके नफल ना पड़ ले ताकि ये हज ये उम्र ये तवाफ जो सबर और शुक्र की तरबियत का जरिया बनते इन हाजियों को और उम्र के आज़मीन को अमली से अपनी आँखों से अपनी आँखों से साबरों शाकरों अतात गुजारों के नक्शे पा को देख के जाओ इनके नक्शे कदमों को अपनी आंखों से देखो ताकि सबर शुक्र और अतात और सराते मुस्तकीम के रस्ते पर तुम्हारे लिए चलना आसान हो जाए तो इसलिए यह हुक्म दिया गया और आगे चलने से पहले मैं ये ज़रूरी बताऊँगी कि ये वो हुक्म है जहाँ पर इस हुक्म के आने से पहले उमर रजी अल्लाह त ने इसकी ख़्वाहिश का इज़हार किया था और ये वही है ना कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तन फरमाते हैं कि कुरान में तीन मकाम ऐसे हैं जहाँ मेरी राय अल्लाह की राय के मवाफिक हो गई मेरी राय अल्लाह की राय के मवाफिक हो गए ये उनमें से एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर मशवरा दिया करते थे और ख्वाहिश का इजहार किया करते थे कि या रसूल अलैहि वसल्लम क्या ही खूब हो अगर हम मकाम इब्राहिम पर कुछ हल्के के नफल पढ़ लिया करे फिर दूसरा मकाम वो जब आपने इनशाला हम आगे जाके पढ़ेंगे वो कैदियों का मशवरा दिया और फिर तीसरा मकाम वो जब हज़रत उमर के दिल में ये ख्वाहिश होती थी और आप नबी सल्हम से दरख्वास्त किया करते थे कि आप उम्मिल्मोमिन से कहें कि वो पर्दा किया करें और वो हिजाब का अहतमाम किया करें हजरत उमर ने तो शायद नफसी से काम लेकर तीन मकाम कहे हैं लेकिन अगर हम तारीख में हयात तय्यबा के देखते हैं तो शायद मकामात है। मैं साथ, -साथ निशानदेही करती रहूंगी हजरत उमर रजी अल्लाह तो हैं जिनके लिए इलामा इकबाल के अल्फाज बिल्कुल फिट होते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता

अल्लाह ने फरमाया कि इसको तो मुस्तकिल जाय नमाज बना लो और इब्राहिम और सलाम को ताकीद की कि मेरे घर को तवाफ और इतकाफ़ और रकू और सजूद करने वालों के लिए पाक रखो अंतो हरा बैतिया हरम की और मस्जिदों की पाकी का हुक्म मस्जिद की तो तामीरी का हुक्म कितना खूबसूरत है कितना बड़ा अजर है कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रुए जमीन पर अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह उस जैसा एक महल उसके लिए जन्नत में तामीर करेंगे लेकिन सिर्फ मस्जिदों को तामीर नहीं करना उनको आबाद भी करना है और उनको साफ भी करना है आज मस्जिदें बना तो दी जाती हैं वो जो कहा गया ना मस्जिद तो बना दी शब्भर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका मस्जिदों को बना भी है तामीर भी करने है, और उसकी आबादी की खुद भी कोशिश करनी है अपने खाना को भी आबाद कार बनाने है, और इर्दगिर्द भी और उसके उसकी आबादगारी की कोशिश करनी और फिर मस्जिदों को साफ रखना मस्जिदों की पाकि मस्जिदों की तहारत कितना खूबसूरत और कितना पसंदीदा अमल है कि तामीर के बाद जबी उल्ला, खलील उल्लाह को हुक्म दिया गया कि घर को साफ रखे मस्जिदों को साफ रखना है जाहिरी गंदगी से जाहिरी नजासतों से इसका तो बहुत ही बेहतरीन है तमाम होते लेकिन उनको साफ रखना है शिरक से बिदाद से फिर वारियत की गंदगी से साफ रखना है और कितना खूबसूरत और कितना पसंदीदा है मस्जिद को साफ रखने का इन अमल कि वो हयात तय्यबा के दो वाक़त अगर आप दोहरा लीजिए कि एक हबशी गुलाम औरत थी वो मस्जिद नबी की सफाई करती थी और कुछ दिन जब आपने देखा तो वो नजर नहीं आई तो आपने पूछा उसके बारे में कितना कितना आपको अपने माहौल और अपने साथियों के बारे में अवेयरनेस और ख़बर गिरी थी और आपके वक्त में कितनी बरकत और आपका दिमाग कितनी चीजों के लिए अवेलेबल होता था आप सल्हल ने उस खातून के बारे में पूछा तो बताया गया कि वो तो फौत हो गई है आप बहुत परेशान हुए और आप कुछ हद तक इस बात को ना पसंद भी किया और आपने फरमाया कि तू मुझे बताते तो सही कि मैं उसके जनाजे पर शामिल होता और फिर आप घर वालों के पास गए आपने आपनेदत की और आपने बख्शिश की दुआ मांगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी है उनकी इनकसारी है इनके वक्त की बरकत है और फिर कितना दर्द दिल और खबर गिरी है और फिर ऊंच नीच रंग नस्ल सब खलास नजर आ रहे और फिर ये भी पता चल रहा है कि एक औरत मस्जिद में जा सकती है एक औरत मस्जिद के काम कर सकती है हाँ हदूदुल्लाह के और पर्दे की हदूद के अंदर रह के कर सकती फिर वो बुखारी का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाकी सल्लम नबी में इमामत करवा रहे थे सलाम फेरने के बाद किसी बद्दू ने उनके सामने वाली जो दीवार है उसने बलगम या थूक सिर्फ निगाह का इशारा जरूरी है वो कहते और आगे आते और काम कर देते। लेकिन नहीं आपने अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद नबी के दीवार से बलगम को खुरचा? आपकी आजी आपकी इंकिसारी, आपके तोजो तकबर की नफी हाथ से काम करना मेहनत की अजमत का दर्ज और फिर फस्ता पे कुल ये नेकी और भलाई का काम मैं खुद क्यों ना करूं पैगाम हैं है, ये है वो नमूना काना फी उस्वतन हसनतन। हमें इस उस्वा हसना को थामने और अपने लिए रहबर और रोल मॉडल बनाने की तोफ़ी कता फरमाई और इब्राहिम ने दुआ की क्या दुआ की और बेजा बल आमिना हज़रत इब्राहिम ने जब उमुल ख़ुरा को आबाद किया और फिर इसमें खाना खाबा की तामीर की तो जो पहली दुआ थी वो ये नहीं थे कि अल्लाह यहाँ पे स्काई स्केपर्स बना देना यहाँ पे ऊंची-ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना देना या बड़ी बड़ी यहाँ पे सड़कें और कुशादा राहें नहीं अमन हर नबी हर रसूल हर इलामी किताब दीन सबकी तालीमत में पहली तरजीह अमन का क्याम है इस्लाम अमन का पैगाम है कुरान अमन की तालीमत लाती हैं अगर हम अपने माशरे में अपनी बस्तियों में अमन कायम करना चाहते हैं तो कुरान की तालीमत को आम करना होगा कुरान की तालीमा दहशत गर्दी नहीं सिखाती हैं कुरान के मदारस दहशत गर्द पैदा नहीं करते हैं मुसलमान टेरिस्ट और दहशत गर्द नहीं है दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मदारिस को उखाड़ना नहीं मदारिस को आबाद करना होगा मदारिस को महफूज करना होगा और कुरान की दावत और तबलीग में हिफाजत और मुआवनत से इस कुरान को अपने माशरे में आम करना होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अ मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखरत को मानेंगे ये एहतियात होगी ना अल्लाह ने पहले कहा था कि नहीं मैं इमामत काफरों को नहीं दूंगा तो अब वो कॉन्शियस हो गए थे अल्लाह रिस भी उसी को देना जो अल्लाह और आखरत को मानेंगे तो अल्लाह ने जवाब दिया जो नहीं मानेगा ना दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सामान तो मैं उसको भी दूंगा मगर आखिरकार उसे उसाब जहन्नुम की तरफ घसीटूंगा और वो बदतरीन ठिकाना है हज़रत इब्राहिम ने मक् की बस्ती के लिए रिस्क और फल मांगे और ये हज़रत इब्राहिम की दुआ की कबूलियत का मोजा देखें कि मक्का की वो बस्ती के दूर दूर तक पानी का कोई ज़रिया और इसबाब नहीं है ना बारिश है ना दरिया है ना नदी नाले हैं ना फवारे अबशारे हैं कुओं का पानी ज़मीन जेर ज़मीन पानी गहरा है कोई आपाशी आप और कोई ज़रात के इसबाब नहीं है ज़मीन जो है वो रेगिस्तानी और बिल्कुल बियाबान है लेकिन बस्ती है मक्का की उमुल कुराकी के दुनिया जहान के फल दुनिया जहान की सब्जियां और सारे जहान का रस सारा साल सारे मौसम एंड इन द बेस्ट फॉर्म ये हजरत इब्राहिम की दुआ के समरात है नबियों की दुआएं कबूल होती हैं दुआएं मांगनी हैं तो इन दुआओं को मांगा करें ये दुआएं मुस्तजाब हो चुकी हैं ये दुआ के आदाब सिखाती हैं और जामे दुआएं मांगने का तरीका सिखाती हैं और वैसे भी मदीना की बस्ती की आबो हवा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी इसकी आबो हवा कुछ ऐसी थी कि लोग आते थे ना तो गैर मवाफिक होती थी और लोग बीमार हो जाते थे आपने दुआ की थी और अब मदीना की बस्ती पूरे जजीरा दौलत तो में सबसे बेहतरीन और मतदिल क्लाइमेट की हामिल है याद करो इब्राहिम और इसमाइल अलैहिस्सलाम जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे अब अल्लाह ने इमामत दी तो फिर इतनी इज्जत है खाना काबा बैतुल्ला की तामीर जबीउल्ला ख़लीलुल्लाह के हाथों से करवाई जा रही अल्लाह कदरदान है अल्लाह चुनता है अपने काम का बनाता है जब परखने के बाद तो फिर अल्लाह इज़्ज़त भी देता है इशराफ भी देता है तकरीम भी देता है अब ये बुनियादें उठा रहे हैं इतनी कुर्बानियां देने और इतनी बड़ी अज़मत का काम कर रहे हैं कि हरम की तामीर कर रहे हैं तो दुआ क्या कर रहे हैं रबा ना तबल ब इन्ना कान्तस समी उललीम अल्लाह तुम तो मुझसे कबूल कर लेना इतनी बड़ी नेकी का काम इतने बड़े नेकोकार और मुत्तकी कर रहे हैं लेकिन दुआ क्या है कि अल्लाह कबूल कर लेना पल्ले से बांध के उठिएगा नेकियां सिर्फ करनी जरूरी नहीं है नेकियां करने के बाद उनकी कबूलियत की फिक्र भी करनी है उनकी कबूलियत की दुआ भी करनी है और फिर उनकी हिफाजत भी करनी है अल्लाह ने कुरान में एक औरत का हाल बताया ना कि तुम अपना हाल उस औरत का सना कर लेना जो पहले मेहनत से सूद काटती और फिर टुकड़े टुकड़े करके उसको जाया कर देती है नेकियों की हिफाजत करना भी जरूरी है फिर दुआ क्या करते हैं कि याद रखिएगा ने मौके पर और साले हाथ और खैरात के मौके पर दुआएं कबूल होती हैं इसलिए ये दुआएं कर रहे हैं एक तो नेकी की कबूलियत की दुआ फिर अगली दुआ रबना वज मुस्लिम कामिन जुर्री अतिना उम्मत मुस्लिम अल्लाह हम दोनों बाप बेटे को जो तामीर के मरले में मेमार बने हुए हरम के हम दोनों को भी अपना मुस्लिम बनाना और हमारी नस्लों को जुरीत कहते हैं औलादों की औलादों की औलादें हमारी नस्लों को भी अपना मुस्लिम बनाना दुआ इंसान के जहन की अक्कासी करती है दुआ उसकी तरजीहात उसकी ख्वाहिशात उसकी तमन्नाओं के पैमाने को जाहिर करती है खलील उल्लाह जब दुआएं कर रहे हैं कबूलियत दुआ के मौके पर दुआ कर रहे हैं तो दुआ अल्लाह हमें मुस्लिम बनाना इस्लाम की बका इस्लाम की सलामती अपने मुस्लिम होने में इस तकामत की दुआएं, और कौन कर रहा है जो इतने मुस्लिम है जो इतने फर्मा बरदार है जो इतने मोती हैं जिन्होंने अतात इलाही में सब कुछ ही खपा दिए अपने तन मन धन घर औलाद बस्ती सभी कुछ कुर्बान कर दिए वो भी अपने इस्लाम की बका की दुआएं कर रहे हैं अल्लाह इसको हमारी अवलिन तरजीह बना दे अल्लाह हमें कसरत से ये दुआएं मांगने वाला बना दे इस्लाम की हिफाजत की लगन तड़प शौक़ फिक्र अपनी और अपनी औलादों और अपनी नस्लों के ईमान और इस्लाम की फ़िक्र की हमें लगन तड़प सिखा दे हमारी मदद फरमा रहनुमाई फरमा और हमारे और हमारी औलादों के दीन ईमान इस्लाम हया और इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा फिर दुआ करते हैं वो आरीना माना सिका और आप देखें कि ये मुस्लिम होने की दुआएं मांग रहे हैं ये मुस्लिम होने की दुआएं जो मुस्लिम हनीफन जिसको अल्लाह लेबल दे रहा है हमारे माशरे का हाल यह कि हम समझते हैं कि सिर्फ कलमा पढ़ेंगे या नमाज पढ़ेंगे और थोड़ी सी जकआत दे, दे देंगे या हज कर लेंगे तो हम मुस्लिम हो जाएंगे और हमारा नाम मुसलमानों की सब में शामिल होगा ये इतना कुछ करने और इतना कुर्बान करने के बावजूद भी अपने इस्लाम की दुआ मांग रहे हैं और हम कलमे और नमाज के बाद समझते हैं तरजीहत और पैमानों को दुरुस्त करने वाला बना। और फिर दुआ करते हैं, वो ना हमें इबादत के तरीके सिखा कौन मांग रहे हजरत इब्राहिम जो इतने इबादत गुजार इतने जाकिर इतने शाकिर इतने मुती इतने फर्मा बरदार खलील अल्लाह ने अपनी दोस्ती से नवाज दिया जिनको वो कह रहे अल्लाह हमें अभी इबादत के तरीके सिखा उनको सीखने की जरूरत है और मुझे और आपको आज लोगों को हदीस क्लास की दावत दी जाए कुरान क्लास की दावत दी जाए तो लोग कहते हैं कुरान क्लास में जाके करना क्या है हमें तो सब कुछ पता है वह तो एक ही बात होती है हमें तो सब कुछ पता है क्या नहीं पता हमें पते झूठ नहीं बोलना हमें पते शराब नहीं पीना हमें पता के अः जो है वो चोरी नहीं करनी हमें सब तो पता है और पता क्या है पता जो है वो रकू और सजूद की दुआओं का भी नहीं है पता कौमे की दुआ का भी नहीं है पता सजदा साहब का तरीका भी नहीं है पता जो है वितर की सही अदायगी का तरीका भी नहीं है बात करती हूँ मैं बुखारी की क्लास में सजदा साहेब पे बात करती हूँ तो पूरी क्लास जो है वो इतने सवाल की बोछाड़ होती है और जब नहीं आते तो ख्याल होता है हमें सब कुछ पता है आता गुसल का तरीका भी नहीं है पता के स्टेप्स भी नहीं है और घर मुतमिन बैठे हैं कि हम मुसलमान भी और हमें सब कुछ पता भी है ये शैतान की ये शैतान की चाले वो कह रहे वो कह रहे मनासिका ना, अल्लाह हमें इबादत के तरीके सिखा दे वह तुब अल इन्ना का रही अल्लाह हमारी तोबह कबूल कर तोबक कर कौन रहा है खलील जिनको इमामत दी गई है जिनको पेशवाई की खुशखबरी दी गई है जिनके जिनको खाना काबा का मेमार बनाया गया वो तोबा कर रहे हैं और वो तोबा कर रहे हैं उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम पर मारे हैं तूबू लाफा ला इन्नी अमिन मिया मर रहा एक जगह आता सब्रीन मर तुम तोबा किया करो क्योंकि मैं दिन में एक दस सौ दफा या सत्तर दफा तोबा करता हूं

और ये जो दुआ के अल्फ़ाज हैं रबना वीम रसूल मिनहम यतलू अल हिम यातिका व्यूअल मोहम्मलताबाक्मी इन् नकानतल अजीज़ाल हकीम ये आयत और इससे मिलते जुलते शक्ल में कुरान में एक से ज़्यादा जगह आई है दो दफ़ा तो सूरह बकरा में आएगी फिर सूरह इमरान में आएगी फिर उसके बाद इसमें दुआ की है हज़रत इब्राहिम ने कि अल्लाह क्या क्याफाजे पढ़े आयत नंबर वन टवेंटी नाइन के ए रब इन लोगों में से किन लोगों में से ये मक्का की बस्ती उमुल को राजा मैं हरम बना रहा हूँ इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इनको तेरी आयत सुनाए इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियों को संवारे तू बड़ा कुदरत रखने वाला और तू बड़ा हकीम है हसत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बरसत की मक्का की बस्ती बनी इसराइल के घराने में आप वसल्लम ने फरमाया था ना मैं अपनी वालिदा आमिना के ख्वाब की ताबीर क्या ख्वाब था हजरत आमिना को जब हमल हुआ था नबी सल्लल्लाहु वसल्लम का तो उन्हें ख्वाब आया था कि आसमान से कोई रोशन टुकड़ा आके उनकी गोद में गिर गया मैं अपनी वालिदा आमिना के ख्वाब की ताबीर और अपने दादा हजरत इब्राहिम का कि उनकी दुआ का जवाब हो ये थी दुआ कि अल्लाह इस मक्का की बस्ती में इन्हीं में से कोई एक शख्स भेजना चार काम करे उनके साथ आगे चलने से पहले इस दुआ के अल्फाज और बात तो मैं करती हूँ लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक बात जरूर हाईलाइट करूंगी हसत इब्राहिम जिन्होंने ऊपर खाना काबा की तामीर के नेकी के मौके पर आपको पता है, नेकी के मौके और हसनात के मौके पर दुआएं कबूल होती है इतनी बड़ी नेकी कर रहे हैं हरम की तामीर के उस मौके पर अपनी और अपनी जुरियत के लिए इस्लाम की बका की दुआ मांगी इबादात के सिखाए जाने की दुआ मांगी लेकिन अपनी और अपनी नस्लों में इस्लाम की बका की दुआ मांगने के बाद खलीलुल्लाह हैं है इमामत दी गई है पेशवाई दी गई है खाना काबा का मेमार बनाया गया तामीर के वक्त दुआ की है लेकिन इस्लाम की बका की दुआ ऐसे दुआ के फेवरेबल मौकों पर करने के बावजूद भी सिर्फ दुआ मांगने के बाद कंटेंट नहीं है सिर्फ ये दुआ मांग के छोड़ नहीं दी कि अल्लाह अच्छा बस तुझे कह दिया ना ये सारे कबूलियत दुआ के मौके दुआ कबूल हो जाएगी नहीं उसके बाद और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये जो मैं अपनी नस्लों में इस्लाम की बका मांग रहा हूं उसको मुमकिन बनाने के लिए अल्लाह ऐसा करना कि इनमें से एक ऐसा फर्द उठा लेना जो इनको तेरे अहकाम की तलावत करे उसकी तालीम दे उसकी हमतें सिखाए और उसके जरिए से उनका तस्की और ट्रेनिंग करे कोया खलील उल्ला और जबी उल्ला की नस्लों में इस्लाम की बका के लिए एक ये चार काम करने वाले फर्द की जरूरत महसूस की गई और इसकी दुआ मांगी गई उनको अपनी नस्लों में उनको उनको अपनी नस्लों में इस्लाम की साबित कदमी और बका के लिए ये चार काम करने वाले फर्द की जरूरत थी। क्या मुझे और आपको मुझे और आपको अपनी नस्लों में इस्लाम की बका और सलामती और ईमान की सलामती के लिए ये काम करने वाले अफराद की जरूरत नहीं है मेरी और आपकी नस्लों में इस्लाम वैसे ही जारी रहेगा अगर ये काम करने वाले इस नस्लों में ना उठे तो आज हम आज हम लोग बड़े हसास होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बना दो और डॉक्टर की हिफाजत करने वाले उठा ले अल्लाह सुबहान तला हमारी मदद फरमा हमारी रहनुमाई फरमा हमारी कोशिशों काविशों में बरकतें अता फरमा अल्लाह हमारी औलादों में जो सबसे ज्यादा बासलात है अल्लाह जो सबसे ज्यादा उनको चुन ले उनको अपने काम का बना लेबहान तला हमें अपने वालदेन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक और सदका जारिया बना दे रबना हब लना मिन इमामा। इब्राहीम इब्राहिम की दुआ कबूल हुई यकीन और वसूख से करेंगे तो मेरी और आपकी भी कबूल होगी वाजालजी नाहली अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे घर वालों को हमारे दीन के कामों और हमारी दीन के अमल में हमारा मुआवन और मददगार और मुहाफ़ बना ये दुआ कुरान में इसके अलावा भी आएगी ये ये जो अल्फाज हैं ये नबी सल्लल्लाहु का वो चार निकाती तरीका आपके मिशन का चार निकाती एजेंडा आप क्या करते थे यतलू आप तलावत करते थे तलावत के बाद क्या करते थे मुखातिब अरब हैं साहिब जबान साहिब लिसान हैं ये वो अरब हैं जिनका बच्चा बच्चा अरबी शायरी जानता था वट फॉर देम तलावत सफिशेंट फॉर देम इवन सिर्फ तलावत सफिशेंट नहीं थी तलावत के बाद आप क्या करते थे किताब लाम की शत बताती है से लजूम से 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 परफेक्शन बारीकी के साथ बड़ी डिटेलिंग के साथ वो जो नाजिल करदा तलावत की गई आयात है उनकी तशरी उनकी तालीम उनकी तोज़ी उनकी एक्सप्लेशन उनकी नरेशन उनका फेहम उनका शुरू देते थे आके चलने से पहले जरा सोच लीजिए उन अरबों के लिए सिर्फ तलावत जरूरी नहीं थी और काफी नहीं थी हम जो अरबी जबान की एबीसी अबजद से वाकिफ नहीं है जिनको कुरान सही लहन और सही तज़वीद और सही तलफ़ुज से पढ़ना नहीं आता क्या हमारे लिए नाजरा कुरान की तलावत काफी है क्या हमारे लिए इसकी एहतमाम और लजूम और बारीकी और प्रसिजन और परफेक्शन के साथ तालीम जरूरी नहीं है आप सल्लल्लाहु तालीम देते थे और फिर क्या करते थे किताब की तालीम देते थे और फरासत और अक्सर मुफसरी है, है? नबी सन्नत और हदीस से आप अपने अपनी बातों से बोल कर हदीस के जरिए और अपने अमल सुन्नत के जरिए उन आयत नाजिलशुदा आयात की तालीम के बाद तश्रह और तोजी करते थे और फिर क्या करते थे यूजी हिम सिर्फ ये नहीं कि तालीम हो जाती थी तलावत होती थी तालीम होती थी और तशरी हदीस और सुनत से नहीं हो जाती थी इवन देन दे वर नॉट लेफ्ट लॉन उसके बाद उनकी तरबियत उनकी ट्रेनिंग उनका तस्किया उनकी गलत चीज़ों को निकाल के उनकी अच्छी चीज़ों को नशो नुमा दी जाती थी कितने वाक़ मौजूद हैं सहाबा की तरबियत के बुखारी में वो वाक्य आते हैं हज़रत अबूजर खुद ने रेट करते हैं मैंने अभी सल्ला वम की महफिल में था और हज़रत बिलाल थे और मैंने फरमाया मैंने मैंने कहा ए काली माँ के बेटे आपने फन तस्किया किया आपने फरमाया कि अबू जर तेरे अंदर अभी जाहलीत के असर बाकी हैं महबूब तरीन जवाजा मोहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा ने एक मौके पर फरमाया सफिया रजियाल्ला के लिए सफिया का कद पिस्ता है आपने फरमाया कि आयशा तू ने इतनी तलख बात किया कि समुंदर में भी घोल दिया जाए तो उसको भी तलख कर दे ये तस्किया है ये वो चार निकाती

दिल बदल गए थे सोचे बदल गई थी रवैये बदल गए थे लिबास बदल गए थे अखलाक बदल गए थे खुशियां गमियां बदल गई थी वलादतें शादियां बदल गई थी उधड़ के रह गया था सब कुछ तेईस साल के दौरानिए के अंदर ये चार निकाती एजेंडा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीमत को फैलाया था अफराद बदल गए थे घराना माशरा बदल के रह गया था बकर अबू बकर सिद्दीक यारे गार बन गए थे उम्र खत्ताब उम्र फारूक बन गए थे हजरत उस्मान उस्मान गनी बन गए थे हजरत अली करम अल्लाह करमह शेर खुदा बन गए थे हजरत खालिद बिन बली सैफुल्ला अल्लाह बन गए थे ये वो ट्रांजिशन थी आज हम मायूस हैं दुश्मन आ गया चालें आ गई मकर आ गया फरेब आ गया हम कुछ नहीं कर सकते अब कुछ नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आज भी है हदीस आज भी है सुन्नत आज भी है उसके रुदादे आज भी है सीरत साहबियात के वाकियात आज भी हैं ये चार निकाती एजेंडा लेकर हम अपने माल अपने वक्त अपनी औलादें अपनी सलाहियतें अपने घर अपनी सवारियां लगाएंगे खपाएंगे तो तब्दीली आज भी आएगी ह्यूमन रेवोल्यूशन गलबा इस्लाम आज भी आएगा अल्लाह में तोहफी कता फरमा Allah हमें मसाइल का हल सिखा दे अल्लाह हमें अपने मालों से अपनी औकात से इस तबलीग और दावत के चार निकाती एजेंडे में मुआवनत करने की तोहफी कता फरमा दे और अल्लाह जो पेश करते हैं उसको कबूल करके हमारी निजात का जरिया बना दे अब कौन है जो इब्राहिम सलाम के तरीके से नफरत करेगा जिसने खुद अपने आप को हमको जहालत में मुब्तला कर दिया उसके सिवा कौन ही हरकत कर सकता है इब्राहिम सलाम तो वो शख्स है जिनको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखरत में उनका शुमार सालहीन में होगा दो इनामात अल्लाह ने दुनिया में चुन लिया इमामत के लिए अल्ला ने पेशवाई के लिए खाना काबा की तमीर के लिए नबूवत के लिए रसालत के लिए चुना और आखिरत में सॉल्हीन की शफ ये दो इनाम क्यों मिले थे उनका रवैया क्या था कौल रब हो असलम जब रब ने कहा था कि इस बात में फर्मा बरदारी कर ले कोई डू आया कोई डोंट आया कोई खदूद आई कोई अल्लाह के अहकाम आए उबीडियंस का जब मुतालबा हुआ असलम उबीडियंस का जब हुक्म आया तो क्या हुआ असलम का हुक्म आता है तो असलम तुल रबिल जो जब जहां जैसा हुक्म बड़ा छोटा आसान मुश्किल आता है तो असलम के बाद असलम तु में ना डिले है ना पोस्टपोनमेंट है ना किलोकाल है ना बहस है ना क्वेश्चनिंग है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना इंटेरोगे है ना शक है ना तरद है ना तजबजुब है असलम के बाद असलम तु है ये है वो लोग जो चुने जाते हैं अल्लाह में चुने जाने का तरीका सिखा, अल्लाह में आखरत में सालहीन की सफ़ में शामिल होने के लिए मुस्लिम मोमिन अपने अमल से दस्तबरदार अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम करने वाला झुकाने वाला ओबीडियट सर्वेंट ऑफ अल्लाह बना इसी तरीके पर और फिर ये कि सिर्फ ये मुस्लिम होने का तरीका अपने लिए नहीं था इसी तरीके पर चलने की हदायत उन्होंने अपनी औलाद को भी की थी और वसीयत अपने याकूब अलैहिस्सलाम को भी की हजरत इब्राहिम असलम असलम के बाद सिर्फ खुद असलमतु नहीं करते इसी असलमतु की ताक़ीद और वसीयत अपने बेटे को भी कर रहे हैं और अपने पोते को भी कर रहे हैं क्या खूबसूरत वसीयतें हैं क्या खूबसूरत नसीहतें हैं आज मौत के वक्त नसीहतें वसीहतें क्या करोगे मेरा मेरा बड़ा कैसे करना मेरे कुल कैसे करना मेरा दसवां कैसे करना ये प्रॉपर्टी कैसे तस्लीम करना ये ये फैक्ट्रियाँ कैसे तकसीम करना ये वसीयतें वहाँ वसीयत क्या वहाँ वसीयत क्या है इस इस अल्लाह ने इसी इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया तुम भी मरते दम तक मुस्लिम रहना अल्लाह इसी वसीयतें करने की तौफीक कता फरमा अल्लाह बेटों को पोतों को नस्लों को सिर्फ दुआएं नहीं मांग रहे हैं दुआ के असबाब भी बना रहे हैं वसीयतें नसी भी कर रहे हैं जाति नमूना भी दे रहे हैं उसने कहा मेरे बच्चों अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी दीन को पसंद किया मरते दम तक मुस्लिम ही रहना अल्लाह आके रुदाज सुना रहे क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब दुनिया से रुख्सत हो रहे थे अब हजरत इब्राहिम ने हजरत इसहाक को अपने बेटे को और पोते को हजरत याकूब को मरते दम तक मुसलमान मुस्लिम रहने की ताकद की अब वो पोते की वफात का वक्त है वो कहते हैं ना लाइक फादर लाइक सन लाइक ग्रैंड फादर लाइक ग्रैंड सन जो बच्चों को वसीयतें करते हैं वो कतरा कतरा कभी ज़ाया नहीं होता है ये अल्फाज कभी कभी मुझे और आपको लगते हैं कि ये तासीर नहीं रख रहे हैं ये बात मेरी और आपकी शायद दिलों में हमें लग रहा होता है कि ये उतर नहीं रही याद रखिएगा हदायत की अल्लाह की अल्लाह की, अल्ला की फर्मा बरदारी की अल्लाह की रज़ा की नसीहतें रंग जरूर लाती हैं कतरा कतरा अल्लाह से मदद मांगते हुए ये कतरा कतरा सबित कदमी से महब्बत और हिमत और खैर खाही के एक समर से ये कतरा कतरा डालती ज़रूर रहा करें ये रंग लाए का जरूर रंग लाया कतरा कैसे लाया हजरत याकूब की उस खलीलुल्लाह के पोते की वफाद की वक्त है फिक्र वही है गम वही है दुख वही है पैमाने वही है नसीहतें वही है वसीयतें वही है अल्लाह हमारी नस्लों में भी इस्लाम को ऐसे कायम रख देना याकूब अलैहि सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे मरते वक्त अपने बेटों से पूछ रहे हैं जायदाद की तकसीम के मामले नहीं पूछे जा रहे बेटों से पूछ रहे हैं बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे देखा ये था ना तरजीहत का पैमाना ये था बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे सब ने यक जबान जवाब दिया क्या जवाब दिया ना अब अला का इब्राहिम अवा इसमाइल अवा इसहाद तोहीद परस्त थे तो परस्त रहेंगे हम उस खुदा की बंदगी करेंगे जिससे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम इसमाइल और इसहाक सलाम ने खुदा माने और अपना नाम क्या बताया था इन्होंने नाखनूल मुस्लिम वो कुछ लोग थे जो गुजर गए जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए तुमसे नहीं पूछा जाएगा वो क्या करते थे वो क्या करते थे वो अपना तारुफ क्या बताते थे नाहनू लहू मस्लिम अपना नाम नाहनू लहू वहाँ नाहनू लहू देोबंद नाहनू लहू ब्रेलवियों ब्रेल नहीं अपना नाम नाहनू लहू मसलिम यही उनकी शनाख्त यही उनकी पहचान थी यही उनकी ख़्वाहिश थी यही उनकी दुआ थी और यही उनकी वसीयती अल्लाह हमें इसको समझने की तोहफी का फरमा यहूदी कहते हैं यहूदी होगे तो राह रास पाओगे ईसाई हैं तो कहते हैं ईसाई हो तो तो रास पाओगे इनसे कहो नहीं बल्कि सब को छोड़ के इब्राहिम का तरीका और इब्राहिम मुश्कों में से नहीं थे मुसलमानों क्या कहा करो ईमान का कौन सा तरीका अपनाओ कहो हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है जो इब्राहिम इसमाईल इस याकूब औलाद याकूब अल्लाम की तरफ नाजिल हुई है जो मूसा और ईसा आलैम पर नाजिल हुई है और दूसरे पैगम्बरों को अपने रब की तरफ से दी गई और हम क्या नहीं करते लाना हम तमाम में फर्क नहीं करते है। दिलों की करता है। तंग नजरी का दीन नहीं है यू मिन जिला जिला मिन का तमाम नबियों और तमाम इस्मानी किताबों पर ईमान लाना इमान बिल रुसल और इमान बिल ईमान कुतब के लिए जरूरी है अकीद मुकम्मल ही तब होता है दरुस्त ही तब होता है जब ईमान तमाम और रसूलों पर लाया जाए कुरान तो क्या कह लान्रिक मिन हम कुरान का मुतालबा और कुरान की टीचिंग्स हैं कि ईमान तमाम नबियों रसूलों पर होगा अदब इज्जत मोहब्बत अकीदत एहतराम भी तमाम रसूलों और नबियों की होगी हाँ अता और इतबा सिर्फ कुरान और मोहम्मद सल असलम का इसलिए होगा कि कुरान महफूज है और हदीस और सुन्नत महफूज है पिछले अम्बिया की तलीमत महफूज नहीं है इसलिए मोहब्बत अकीदत अदब और एहतराम तो सबका होगा उनके ईमान के साथ लेकिन अतात और इतबा सिर्फ नबी महरमा सल्हु वसलम और कुरान की होगी क्योंकि ये महफूज है अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है आगे चलने से पहले एक बात की निशानदगी जरूर करूँगी हमारा दीन जो नबियों में हमारा दीन हमारे नबी की तालीमात और हमारे कुरान की आयात जब नबियों में फर्क की इजाज़त नहीं देती तो मुझे बताएं क्या वो किताब जो अम्बिया और रसूलों में तफरीक की इजाजत नहीं देता वो कुरान क्या मोहम्मद वसल्लम के बाद आने वाले आयमा और इमामों में तफरीक इजाज़त देगा और क्या इस्लाम की तालीमत के मवाफिक है यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस और किसी सुन्नत में यह नहीं कहा कि मेरे बाद फिलहाल इमाम आएगा उसको थामना और उसको ना थामना हदीस में इमाम मेहदी के आने की उनकी निशानियां उनकी अलामतें मौजूद है उनकी मदद की ताकीद मौजूद है हजरत ईसा का मौजूद है दज्जाल के बारे में मौजूद है नहीं मौजूद तो आयमा की निशानदेही उनमें से किसी एक की ताकीद मौजूद नहीं है याद रखिएगा रखियेगा लानु फर्रिक मिनहुम जब रसूलों के साथ है तो रसूलों के बाद आयमा में भी ये तस्वर नहीं होगा तमाम आयमा वो आया अरबा हैं उन तमाम की इज्जत अदब एहतराम भी होगा उनकी खदमात का एतराफ़ भी होगा लेकिन अपने आप को किसी एक के साथ मनसूब करके वो जो कहते हैं मसलक परस्ती के नाम पर या तकलीद के नाम पर अपना नाम अप अपना नाम हन्फी अपना नाम हम्बली मालिकी शाफ़ई रखकर मुसलमानों की कुतों को कमज़ोर करके फिरके धड़े मसलक बनाकर इस्लाम को कमज़ोर करने का तरीका इस्लाम का तरीका नहीं है ये आयमा इक्राम एक, एक, एक दूसरे के शागिर्द थे एक पहले का और पहला दूसरे का शागिर था इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई हनफी हम्बली मसलक नहीं बनाए थे इन्होंने तो कहा था उनमें से एक कहता हुआ नज़र आता है सभी मोतबिर हैं एक कहता हुआ नजर आता है अगर मेरे कॉल के ख़िलाफ़ तुम कोई हदीस के अल्फाज सुन लो तो तुम समझो मेरा सर

अल्लाह ने फरमाया अगर वो इस तरह ईमान लाए जैसे ये बताया जा रहा है जिस तरह तुम ईमान लायो, तो हदायत पर है अगर इससे मुंह मोड़ेंगे तो खुली बात है कि वो हर धर्मी में इत्मीनान रखो उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हमायत को काफी है वो सब कुछ सुनता और जानता है अल्लाह ने यहाँ पर फसा का हम पसंद करीब वो काफी होगा तुमको उनसे अल्लाह एक तो ये एक लफ्ज इतना लंबा तर्जुमा जो मैंने आपको बताया था अरबी जबान के कॉम्प्रिहेंसिव होने और समुंदर को कूजे में बंद करने की मिसाल है एक लफ्स और इतना बड़ा तर्जुमा और ये लफ्ज़ जो है इसके पीछे इस्लामी तारीख़ का एक बहुत खूबसूरत किस्सा भी है हज़रत उस्मान जब खलीफ़ा बने हज़रत उमर के बाद तीसरे आने वाले खलाफत रास्ता के खलीफ़ा बने तो फिर बगावत हुई और सरकशों ने बगावत की और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अल्ला के घर का मुहासरा किया फ़जर का वक्त था वो अपने सेहन में कुरान की तलावत क्योंकि कुरानल फजर तो मशहूर है कुरान की तलावत सूर्य बकरा की तलावत कर रहे थे तो बाग़ियों ने दीवार को फलांदा और वो आंगन में सेहन में आए हमला किया पहले तो बीवी हज़रत नायला रज़ी ना उन्होंने उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उंगलियों के पूर काट दिए और फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह जब हमला हुआ वो शहीद हुए तो उनके खून का कतरा जो उनका कुरान का सहीफा था फसा का हमल्ला के हरूफ पर गिर गया वो सहीफ़ा आज भी मौजूद है वो सहीफा जिस पर जिस पे कुरान के अल्फाज के ऊपर और फिर अल्लाह ने कैसे वादा कर दिया कैसे वादा कर दिया कि उस्मान रजी आपके साथ जो ये सर, सरकशों ने और बाने ये ज्यादती किया करीब वो आपके लिए अल्लाह काफी हो जाएगा वो कुरान का सहीफा कुछ देर तो स्पेन की लाइब्रेरियों में रहा और ये वो सहीफे जो हमारे लिए बड़े महबूब थे इलामा इकबाल ने इसीलिए कहा था ना अपने किताब में अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा वो हमसे छीन के ले गए हम हिफाजत ना कर सके अपने इल्मी खजानों की अल्लाह ने फरमाया इस तरह ईमान लाओ तो अपने ऊपर अल्लाह का रंग गालिब कर लो उसके रंग से अच्छा और रंग किसका अल्लाह अल्लाह का रंग उसकी दीन की तालीमत का रंग के जब कोई समुंदर इस्लाम के समुंदर में ना हुआ अतवा ना करके कूद जाता है तो फिर उस पर इस्लाम का रंग तारी हो जाता है ईसाइयों के अंदर तो ईसाइत के रंग के लिए वो बैप्टिज्म का एक रस्म है ना जिसे उर्दू में बपतिस्मा कहते हैं कोई बच्चा पैदा होता है ईसाइयों के घर में तो उसको चर्च ले जाते हैं और वो जो प्रीस्ट होता है वो एक बड़ा सा बोल ले लेता है उसमें जर्द रंग का पानी और उस बच्चे के ऊपर वो पानी उस बोल में लिटा के डालते जाते हैं और वो कुछ पढ़ते जाते हैं हिम्स इंजील की और वो कहते हैं वो ईसाइत का रंग चढ़ गया कोई बड़ा शख्स इस्ला उनकी ईसाइत कबूल करे तो भी उसको पानी से घुसला देते हैं रंग ऐसे नहीं चढ़ता है रंग कुरान और हदीस को समझने उसको मानने समेना व अतवाना करने और कहने से बनता है अल्लाह हम पर रंग चढ़ा दे हम पर हमारे घर वालों पर कुरान का रंग चढ़ा दे अल्लाह हमारे घर को कुरान की तालीमात से मुनवर कर दे अल्लाह हमारे घर को इस माशे के गली कूचों को हदीस की इत्र से मुअत्तर कर दे अल्लाह का रंग चढ़ाओ और कहो हम अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो हालांकि वही हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है हमारे अमाल हमारे लिए हैं तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिज कर चुके हैं फिर क्या तुम्हारा कहना है कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक यालकूत और औलाद याकूब सब के सब यहूदी या नसरानी थे कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह उस शख्स से बढ़ के लालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए है तुमसे उनके आमाल के बारे में सवाल नहीं होगा अल्लाह सिबना खि बेसरा अल्लाह सिबना खि बेयसरा अल्लाह अजर नामा नारि आंदा का बई तनफिल जनना अल्लाह सुबहाना हम रोज़े की हालत में हैं कुरान की महफिल में हैं तेरा कलाम हमारे हाथों में है झोलियां हमारी फैली हैं अपने वादे के मुताबिक दुआएं कबूल फरमा के अल्लाह सबके सारे गुनाहों को बख्श देना अल्लाह हमारे छोटों के बड़ों के छोटे बड़े अगले पिछले दानिश्ता गैर इरादी तौर पर किए हुए सारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह बख्शिशों का महीना है हम सबके सारे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह रहमतों का महीना है हम सबको अपनी बेहतरीन रहमतों से माल माल कर दे अल्लाह दुआओं की कबूलियत का महीना है महफिल में जिसके दिल में जो जो जायज़ ख्वाहिश उसके हक में बेहतर है अल्लाह वो भी कबूल फ़रमा ले अल्लाह सुबहाना ताल मेरी सब बहनों के घरों को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बना जिसके घर में जो जो गम जो दुख जो परेशानी जो बीमारी जो माली तंगी है अपनी नजर रहमत से दूर फरमा दे अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा आजला कामिला फ़रमा दे अल्लाह कैंसर के मरीजों के लिए कहा कुछ ने टी बी के लिए कुछ ने हेपीटाइटस के लिए और अल्लाह ये जो ख़बरें उमड उमड के करोना के मरीज़ों की आ रही हैं अल्लाह सब को सब को शिफाए आजिला कामिला फ़रमा दे अल्लाह बीमारों को ऐसी शिफाता फरमा कि बीमारी का शुभा भी ना रहे अल्लाह सब बीमारों को शिफा देकर अपने घर वालों के पास वापस लौटा दे अल्लाह तबीबों को बीमारी की पहचान अता फ़रमा अल्लाह बेहतरीन शिफा के तरीके सुझा अल्लाह दवाओं को शिफा का ज़रिया बना जो आलात लगे हैं उनको तकलीफ़ काटने का ज़रिया बना दे हमारी दुआएं हमारे बीमारों के हक़ में कबूल फरमा या रिश् खलालता फ़रमा सहूलतरू से अता फ़रमा या ला हमने जो क़ुरान पढ़ा है इस पर अमल आसान कर दे इस रास्ते पर चलना हम सब के लिए सहल और मुमकिन बना दे अल्लाह रास्ते की रुकावटों को दूर फरमा दे अल्लाह इस रास्ते पे बेहतरीन साथी अता फ़रमा हमारे घर वालों को हमारा मुआवन व मददगार बना दे अल्लाह इस रास्ते पर चलते चलते हमें अपने अकलों पिछलों जुरियत, पिछले फौज शुदगान सबके साथ उन जन्नत के महलात और बाग़ात में जमा फरमा देना अल्लाह महासिबना हिसाब यसरा अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फ़रमा और जो मांगने से महरूम रहे हमारे हक़ में अम्बिया सुहीन और अल्लाह शहदा की दुआएँ कबूल फरमा रबना तकब्बुल मिना इन्ना का तस्म उललीम वतुब अलैना इन्ना का अनत तो रहीम आमीन सुमीन ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ خديتنا وحبلنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سمم